देखो, लास्ट दिन हम लोगों ने लिमिटिंग फैक्टर जो है वो किया था, ठीक है? लास्ट नहीं, उसके पहले वाला, लास्ट क्लास तो ऑफ था, तो लिमिटिंग फैक्टर किया था। अब बाकी और तो यहाँ पर मुझे बोलना कुछ है नहीं, नया कोई थियोरिटिकल मुझे नहीं लगता है कुछ बाकी है। अब हम लोग जस्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो ये वन बाकी है, इसको करवाएंगे लास्ट में। आई थिंक टू भी बाकी है, ठीक है? लोग कहाँ कर रहे थे वहीं से फिर से स्टार्ट करते। देखो, मुझे जितना याद आ रहा है, हम लोगों ने लास्ट क्लास में थोड़ा हेल्प करोगे, कहाँ तक किया हुआ था? आई थिंक 11 या 12 तक किया हुआ था। 14 दीदी, थर्टीन हो गया छिलो, हाँ 13 हो गया छिलो, लिमिटिंग फैक्टर 14 हो गया छिलो, है 15 थे क्या? हो गया, ठीक है सर। अच्छा, देखो क्या दिया हुआ है। ए कंपनी इज एट प्रेजेंट वर्किंग एट 90% ऑफ इट्स कैपेसिटी एंड प्रोड्यूसिंग 13,500 यूनिट्स पर एनम। तो यहाँ पर बोला है कि कंपनी जो है वो 90% कैपेसिटी में काम कर रही है, मतलब फुल्ली 100% नहीं कर रही है, ठीक है? 90% कैपेसिटी में काम कर रही है और इस हिसाब से इसका प्रोडक्शन हो रहा है 13,500 यूनिट्स पर एनम। इट ऑपरेट्स ए फ्लेक्सिबल बजटरी कंट्रोल। ये लोग फ्लेक्सिबल बजटरी कंट्रोल कर रहे हैं। फ्लेक्सिबल बजटरी कंट्रोल मतलब क्या होता है? जैसे 90% तो उसके उससे ज़्यादा या कम में भी हम लोग प्रोडक्शन कर सकते हैं, तो ये चेक कर पाते हैं, दैट इज फ्लेक्सिबल बजट, ठीक है? फिक्स्ड बजट से ही अगर हम लोग उससे कम या ज़्यादा में चेक करें, दैट इज फ्लेक्सिबल बजट। द फॉलोइंग फिगर्स आर ऑब्टेन फ्रॉम इट्स बजट। ये देखो, सेल्स अगर 90% कैपेसिटी में हो रहा है तो इतना, 100% में इतना। फिक्स्ड एक्सपेंस, दोनों में चेंजेस है। देखो, फिक्स्ड एक्सपेंस थोड़ा बढ़ रहा है। नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली प्रोडक्शन के साथ फिक्स्ड एक्सपेंसेस का कोई चेंजेस नहीं होता है, लेकिन इसमें फिक्स्ड एक्सपेंस रेलिवेंट है। क्यों रेलिवेंट है? क्योंकि 3,500, यहाँ पर 3,600, दैट इज द चेंजेस, ठीक है? नॉर्मली फिक्स्ड एक्सपेंस में चेंजेस नहीं दिखता है अगर हम लोग कैपेसिटी लेवल चेंज करें। कैपेसिटी लेवल चेंज का मतलब है प्रोडक्शन यूनिट चेंज होना। जैसे यहाँ पर 13,500 है, तो यहाँ पर जरूर उससे ज्यादा होगा 100% में। वो तुम लोग कैलकुलेट करके देखोगे तो पता चल जाएगा 100% में कितना हो रहा है। ये देखो, 13,500 डिवाइडेड बाई 90, ये अगर 90% का है तो 100% का हो जाएगा 15,000। देख सकते हो तुम लोग, 15,000 होगा यूनिटरी मेथड करके। लेकिन फिक्स्ड एक्सपेंस ऐसा एक एक्सपेंस होता है जो नॉर्मली चेंजेस होता नहीं है, लेकिन यहाँ पर चेंजेस हो रहा है तो ये रेलिवेंट है, ठीक है? मैंने एकदम स्टार्टिंग में तुम लोग को जो नोट लिखवाया था, एक वहां पर लिखा था कि फिक्स्ड एक्सपेंस नॉर्मली मार्जिनल कॉस्टिंग में इररेलीवेंट होता है, लेकिन अगर हमारा प्रोजेक्ट ऐसा है जो कि फिक्स्ड एक्सपेंस को इंक्रीज करवाता है तो फिर ये रेलिवेंट होगा। तो इंक्रीज हो रहा है तो रेलिवेंट होगा, 100 रुपीज का इंक्रीज हो रहा है। सेमी फिक्स्ड एक्सपेंस, सेमी फिक्स मतलब सेमी फिक्स्ड या सेमी वेरिएबल, मतलब थोड़ा फिक्स और थोड़ा वेरिएबल, ये दिया हुआ है। इसमें भी चेंजेस है, वेरिएबल इसमें इंक्लूडेड है, चेंजेस तो होगा। वेरिएबल एक्सपेंसेस में भी चेंजेस है, ये देखो वेरिएबल एक्सपेंस। यूनिट, ये देखो यूनिट, मैंने तो खुद कैलकुलेट करके बताया था, यहाँ पर दिया हुआ था, मैंने ध्यान नहीं दिया, दिया हुआ है। हम लोग अगर नहीं भी दिया हुआ होता है, हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं ना यूनिटरी मेथड। 13,500 ये 90% के लिए, तो 1-1% के लिए कितना होगा, डिवाइड कर देने से मिल जाएगा, तो 100% के लिए कितना होगा। अब बोला क्या है, देखो, लेबर एंड मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट आर कांस्टेंट। गुड मॉर्निंग शुभ। হ্যাঁ দিদি, গুড মর্নিং। সরি দিদি, কিছু করার ছিল না। হ্যাঁ ঠিক আছে, ও হচ্ছে, অনেকেরই হচ্ছে, অসুবিধে নেই, ওরকম হয়ে যায় মাঝে মাঝে। ওই তখন ওই মেলে ট্রান্সফার করে দেখতে পারো, যে আমি যে লিঙ্কটা দেবো না, ওটা মেলে ট্রান্সফার করে দেখতে পারো, নালে একবার আনইনস্টল ইনস্টল করে। কখনো কখনো খুব হ্যাঁ, প্রবলেম, মেল মেলেও খুলছি না, লাস্টে আনইনস্টল করি তারপর ইনস্টল করলাম। হ্যাঁ ওই মাঝে মাঝে হয়ে যায়, ওই আপডেট চাই বোধহয় ওই কারণে। আচ্ছা আচ্ছা দিদি, ঠিক আছে। ঠিক আছে। আচ্ছা, আমরা কিন্তু শুধু এখানে না ভেরিয়েবল কস্টে, এই তোমার মার্জিনাল কস্টিং করছি, ঠিক আছে? তো অনেকটাই আমাদের এইটা এগিয়ে গেছে টপিকটা, কিন্তু আমি তোমাকে বললাম ক্লাসটা এই জন্য করে নিতে, কিন্তু আশা করি রিলেট করতে পারবে, ঠিক আছে? আর প্রিভিয়াস ভিডিওগুলো আমি তোমাকে দিয়ে দেবো, যাতে তুমি ওগুলো একটু দেখে নিতে পারো যদি সময় হয়, ঠিক আছে? আর নাহলে আবার নতুন করে যখন হবে তখনও করতে পারবে, অসুবিধে নেই।
ঠিক আছে। अच्छा उसके बाद देखो यहाँ पर जो स्टोरी चल रहा था इसका देखो, यहाँ पर बोल रहा है लेबर एंड मेटेरियल कॉस्ट पर यूनिट आर कांस्टेंट। लेबर और मेटेरियल कॉस्ट हर यूनिट में कांस्टेंट है। एक चीज देखो, लेबर मेटेरियल कॉस्ट कांस्टेंट होगा पर यूनिट, क्योंकि ये वेरिएबल कॉस्ट है। बिकॉज हमें पता है वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कांस्टेंट होता है। कैसे पता चलता है? जैसे इलेक्ट्रिसिटी जो हम लोग देते हैं पेमेंट, वो टोटल में वेरी करेगा। अगर मान लो इस मंथ में मैंने 90 यूनिट्स जलाए हैं, ठीक है, 90 यूनिट्स कंजम्पशन किए, 10 यूनिट के हिसाब से मेरा 900 रुपए का बिल आ सकता है। और अगर किसी दूसरे वीक में मैंने, किसी दूसरे मंथ में मैंने 80 यूनिट यूज किया है, तो 800 हो सकता है। तो पर यूनिट देखो, पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट में फिक्स्ड होता है, इसमें चेंजेस नहीं होता है, बट टोटल में वेरी करता है। तो लेबर मटेरियल हमें पता है वेरिएबल कॉस्ट होता है, इसीलिए ये पर यूनिट कांस्टेंट है। अंडर प्रेजेंट कंडीशन, प्रेजेंट कंडीशन में प्रॉफिट मार्जिन इज 10%, प्रॉफिट मार्जिन है 10%। अब हम लोग प्रॉफिट निकालेंगे तो पता चल जाएगा कि प्रॉफिट मार्जिन कितना होगा। यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन द डिफरेंशियल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 1500 यूनिट बाय इंक्रीजिंग कैपेसिटी टू 100%। ये क्या बोल रहा है क्वेश्चन में? बोल रहा है हम लोग करेंटली कितना कैपेसिटी यूज कर रहे हैं, 90%। 90% में हम लोग 13,500 यूनिट बना रहे हैं। अब हमें क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर हम लोग 100% कैपेसिटी यूज करते तो 15,000 यूनिट बनेगा। वो यूनिटरी मेथड से भी देख सकते हैं, जैसे मैंने कहा अभी 13,500 90% के लिए है, तो 100% के लिए कितना होगा 15,000। तो मेरा इंक्रीजिंग यूनिट कितना हुआ? करेंटली अगर हम 13,500 प्रोडक्शन कर रहे हैं और अगर अभी हम करना चाहते हैं 15,000, तो 1500 यूनिट हमारा इंक्रीज हो रहा है। देखो ये बता दिया, तुम लोग माइनस करके देख सकते हो, 1500 यूनिट हम लोग ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे, ठीक है। तो हमें बोल रहे हैं कि डिफरेंशियल कॉस्ट निकालो। डिफरेंशियल कॉस्ट का मतलब है मेरा कॉस्ट कितना डिफरेंट हो जा रहा है, मतलब कितना बढ़ रहा है, ठीक है। वो मुझे कैलकुलेट करना है कि 90% में तो इतना है, 100% में इतना होगा, तो मेरा कितना चेंजेस हो रहा है, कितना है वो तो मुझे बताया जा रहा है कि फिक्स्ड एक्सपेंस इतना है, इतना हो जाएगा, सेमी वेरिएबल इतना है, इतना हो जाएगा, वेरिएबल इतना है, इतना हो जाएगा, वो मुझे पता है। बट मुझे पूछा जा रहा है कि डिफरेंस कितना होगा, डिफरेंशियल कॉस्ट निकालो। पॉइंट ए, पॉइंट बी, व्हाट वुड यू रिकमेंड फॉर एन एक्सपोर्ट प्राइस फॉर दिस 1500 यूनिट्स, टेकिंग इनटू अकाउंट दैट ओवरसीज प्राइस आर मच लोअर देन इंडिजिनियस प्राइस, ठीक है। अगर हम लोग एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो फिर हम लोग क्या रिकमेंडेशन करेंगे इस हालत में, ठीक है। तो पहले पॉइंट ए को हम लोग डील करते हैं। पॉइंट ए में इतना ही बोल रहा है कि अभी हम लोग 90% प्रोडक्शन कर रहे हैं और फ्यूचर में 100% करना चाहते हैं, तो इसमें हमारा कॉस्ट का क्या चेंजेस हो रहा है, कितना हमारा कॉस्ट चेंज हो रहा है, फिक्स्ड वेरिएबल, ये पूछ रहा है। तो पॉइंट ए सिर्फ इतना पूछेगा। तो क्वेश्चन नंबर, कंप्यूटेशन ऑफ, देखो यहाँ पर मेटेरियल लेबर हमें अलग से नहीं बताया। मेटेरियल लेबर देखो, वेरिएबल कॉस्ट में ही मेटेरियल लेबर आता है ना, ये देखो वेरिएबल कॉस्ट का मतलब है उसमें क्या आएगा, मेटेरियल लेबर, ये नाम दो दे दिया है ना, इसका मतलब मेटेरियल और लेबर का खर्चा हमें पता करना है कि पर यूनिट कितना है। लेकिन यहाँ पर अगर तुम लोग देखो तो हमें अलग से नहीं दिया हुआ है कि मेटेरियल कॉस्ट कितना है, तो कैसे हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं मेटेरियल कॉस्ट कितना है, क्योंकि मुझे सेल दिया हुआ है। देखो हमें पता है कि सेल से अगर हम लोग क्या माइनस करेंगे, प्रॉफिट माइनस कर देते हैं, तो मुझे मिल जाएगा टोटल कॉस्ट, है ना। सेल से प्रॉफिट माइनस करने से टोटल कॉस्ट। अब कॉस्टिंग में हम लोग टोटल कॉस्ट इसीलिए लिखते हैं क्योंकि यहाँ पर कॉस्ट को फिक्स्ड और वेरिएबल दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, ठीक है, फिक्स्ड और वेरिएबल। तो टोटल कॉस्ट और इसमें फिक्स्ड और वेरिएबल आएगा, और वेरिएबल में लेबर और मेटेरियल आएगा। इसका मतलब अगर मुझे लेबर और मेटेरियल कॉस्ट को ढूंढना है तो फिर मुझे इस तरह से जाना पड़ेगा। पहले मुझे सेल से प्रॉफिट लेस करना पड़ेगा, मुझे टोटल कॉस्ट पता चलेगा, वहां से फिक्स्ड कॉस्ट को लेस करेंगे तो मुझे वेरिएबल कॉस्ट पता चल जाएगा कि मेटेरियल लेबर का कितना है। तो यहां पर लिखते हैं कंप्यूटेशन ऑफ मेटेरियल एंड लेबर, और मेटेरियल लेबर इसीलिए फाइंड आउट कर रहे हैं, देखो मेटेरियल लेबर इसीलिए फाइंड आउट कर रहे हैं ताकि हम लोग 100% कैपेसिटी में कितना मेरा इंक्रीज हो रहा है खर्चा, वो निकाल पाए।
अच्छा, सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे सेल्स। जैसे कि मैंने कहा सेल्स से हम लोग प्रॉफिट लेस करके टोटल कॉस्ट निकाल सकते हैं। सेल्स एट प्रेजेंट, ठीक है। करेंटली हम लोग कितना यूनिट प्रोडक्शन कर रहे हैं, 90%, और ये है सेल्स इसमें 15 लाख का। ये देखो 15 लाख का सेल्स हो रहा है। अब इसमें से अगर हम लोग माइनस कर देते हैं प्रॉफिट, तो टोटल कॉस्ट मिल जाएगा। देखो प्रॉफिट दिया हुआ है, प्रॉफिट दिया हुआ है, देखो 10%, ये देखो दिया हुआ है प्रॉफिट मार्जिन इज 10%। तो यहां से 10% लेस कर देंगे, ठीक है। 10% लेस कर दो, कितना हो जाएगा, 1,50,000। तो बचा कितना, 15 लाख से 10% माइनस कर दो, 1,13,50,000। हाँ करेक्ट, 13,50,000। इसको हम लोग बोलेंगे टोटल कॉस्ट। ये तो हम लोग को ऐसे ही पता है कि सेल से प्रॉफिट लेस करने से कॉस्ट आ जाता है, ठीक है, कॉस्ट पता चल गया। अब हमें लेबर मेटेरियल जो कि इंडिविजुअली बता के रखा था ना, वो कैलकुलेट करेंगे। तो कैसे, पहले देखो हम लोग माइनस कर देते हैं बाकी सारा कॉस्ट, लाइक फिक्स्ड, सेमी वेरिएबल और वेरिएबल। देखो यहाँ से माइनस करते हैं टोटल कॉस्ट, मतलब फिक्स्ड और वेरिएबल। तो पहले फिक्स्ड कॉस्ट माइनस करते हैं, फिक्स्ड कॉस्ट, टोटल कॉस्ट से फिक्स्ड कॉस्ट माइनस करते हैं। फिक्स्ड कॉस्ट कितना है, ये 90% वाला हम लोग करें, फिक्स्ड कॉस्ट है 3,05,000। ये देखो 3,05,000, तो माइनस कर दो तो मिल जाएगा टोटल वेरिएबल कॉस्ट। माइनस करके देखो कितना आता है, कितना आएगा, माइनस 300,500, 1,049,500। देखो टोटल वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। अब वेरिएबल कॉस्ट में हमें कुछ वेरिएबल कॉस्ट तो पता है, देखो ये रहा वेरिएबल एक्सपेंस 1,40,000, वेरिएबल एक्सपेंस माइनस कर देते 1,45,000। टोटल वेरिएबल कॉस्ट से वेरिएबल एंड सेमी वेरिएबल बोल सकते हैं, ये फिक्स्ड कॉस्ट माइनस करने से बचेगा वेरिएबल एंड सेमी वेरिएबल, है ना। क्योंकि देखो फर्स्ट दिन जिस दिन मैंने करवाया था मार्जिनल कॉस्टिंग, मैंने बोला था तीन तरह का कॉस्ट होगा मार्जिनल कॉस्टिंग में, एक फिक्स्ड, एक वेरिएबल और एक सेमी वेरिएबल या फिर सेमी फिक्स्ड, एक ही बात है। और इसको यहाँ पर बोला जाता है स्टेप कॉस्ट, ठीक है, इसको यहाँ पर स्टेप कॉस्ट बोला जाता है। तो अगर मेरा टोटल कॉस्ट तीन पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, तो मैंने पहले फिक्स्ड कॉस्ट हटा दिया तो बचा क्या, वेरिएबल एंड सेमी वेरिएबल। अब वेरिएबल हटा देते हैं तो क्या बचेगा, वेरिएबल हटाने से बचेगा सेमी वेरिएबल। ये देखो तो 1,049,500, 10,49,500 माइनस 1,45,000, तो ये बच रहा है 9,04,500। ये हो गया टोटल सेमी वेरिएबल, ठीक है। तो ये सेमी वेरिएबल होना चाहिए, लेकिन हमारा सेमी वेरिएबल कॉस्ट देखो कितना है, 97,500। तो माइनस करते हैं सेमी वेरिएबल कॉस्ट, 97,500। तो ये पूरा नहीं इसमें टैली कर रहा है, मतलब यही अगर सिर्फ कॉस्ट होता तो ये 9,04,500 ही होता, बट ये 97,500 है। इसका मतलब बच कितना रहा है, 807,030, मतलब 8,07,000, 8,07,000। इसका देखो एक बार फिर से इसका मतलब समझाते हैं। मैंने किया क्या, यहाँ पर हम लोगों को बताया है फिक्स्ड एक्सपेंस, बताया सेमी फिक्स्ड या फिर सेमी वेरिएबल, बात एक ही है, आधा वेरिएबल आधा फिक्स्ड, एक ही बात होता है। वेरिएबल एक्सपेंस बताया, बता दिया है कितना यूनिट प्रोडक्शन करने के लिए, 13,500 एट 90% कैपेसिटी लेवल। और यहाँ पर हमें एक वेरिएबल खर्चा बताया, दो, एक नहीं बल्कि दो बताया, लेबर एंड मेटेरियल पर यूनिट कॉन्स्टेंट, पर यूनिट कॉन्स्टेंट ही होता है क्योंकि ये वेरिएबल कॉस्ट होता है। अभी मैंने तुम लोग को एक एग्जांपल से समझाया। तो प्रॉफिट मार्जिन इसमें 10% है। हमें चेक करना है कि डिफरेंशियल कॉस्ट कितना होगा अगर हम लोग 100% कैपेसिटी लेवल यूज कर रहे हैं। तो मैंने पहले यहाँ पर देख लिया कि सेल्स कितना है 15 लाख, उससे प्रॉफिट माइनस कर दिया तो मिल गया मुझे टोटल कॉस्ट। और इस कंसेप्ट में टोटल कॉस्ट मतलब फिक्स्ड, वेरिएबल और सेमी फिक्स्ड या सेमी वेरिएबल। तो टोटल कॉस्ट से फिक्स माइनस कर दिया तो बचा क्या, वेरिएबल एंड सेमी वेरिएबल या सेमी फिक्स्ड। वहां से वेरिएबल माइनस कर दिया, बचा सेमी वेरिएबल। सेमी वेरिएबल भी माइनस कर दिया, फिर भी कुछ ना कुछ बच जा रहा है। तो तुम लोग बता सकते हो ये कौन सा कॉस्ट है, जो बचा हुआ कॉस्ट है ये कौन सा कॉस्ट है, किस चीज का कॉस्ट है ये, फिर कौन सा कॉस्ट बच रहा है,
क्योंकि मैंने तो पूरा कॉस्ट लिख दिया ना, जो भी मुझे क्वेश्चन में दिया हुआ था मैंने फिक्स्ड कॉस्ट हटा दिया, ठीक है। यहाँ पर फिक्स मुझे टोटल कॉस्ट पता चल गया 13,50,000। मुझे पता है फिक्स्ड कॉस्ट कितना, मैंने लेस कर दिया। मुझे सेमी वेरिएबल कॉस्ट पता है, मैंने लेस कर दिया। मुझे वेरिएबल एक्सपेंस पता है, मैंने लेस कर दिया। फिर भी कुछ कॉस्ट बच रहा है, फिर ये कौन सा कॉस्ट है बता सकते हो? ये कौन सा कॉस्ट है? मेरा पॉइंट तुम लोग को समझ में आ रहा है? हम ये कहना चाह रहे हैं कि ये सेल से मैंने सारा कॉस्ट हटा दिया जो कि यहाँ पर मुझे गिवन रिकरिंग है। बोलो की बोलना केटे वाला कॉस्ट विशाल। करेक्ट, मटेरियल कॉस्ट, मेटेरियल एंड लेबर कॉस्ट दुटो ही। ये देखो मेटेरियल एंड लेबर कॉस्ट, फिर भी अगर कुछ बच जा रहा है तो ये कौन सा कॉस्ट है जिस कॉस्ट के बारे में हमें बताया गया है? ये देखो मेटेरियल एंड लेबर कॉस्ट, ये बचा हुआ कॉस्ट मेटेरियल और लेबर का है, ठीक है। अच्छा ये पता चल गया कि मेटेरियल और लेबर कॉस्ट इतना लगा है जब हम लोगों ने कितना प्रोडक्शन किया है, 90% कैपेसिटी में प्रोडक्शन किया है, उस केस में मेटेरियल एंड लेबर कॉस्ट हमारा इतना हो रहा है, ठीक है। अच्छा अब हमें क्या करना है, हमें 1500 यूनिट जो हम लोग ज्यादा प्रोडक्शन कर रहे हैं उसमें डिफरेंशियल कॉस्ट को चेक करना है, मतलब मेरा कॉस्ट कितना बढ़ रहा है। तो देखो कैसे चेक करेंगे, स्टेटमेंट शोइंग कॉस्ट ऑफ डिफरेंशियल कॉस्ट लिखना है, डिफरेंशियल कॉस्ट कॉस्ट ऑफ कितना यूनिट, देखो कितना यूनिट डिफरेंट हो रहा है हमारा 1500। पहले हम लोग 13,500 कर रहे थे, अब टारगेट है 15,000 यूनिट प्रोडक्शन करने का। तो 1500 यूनिट्स का डिफरेंशियल कॉस्ट निकालना पड़ेगा कि कितना मेरा कॉस्ट इंक्रीज हो रहा है। तो मुझे पता है कि क्या क्या कॉस्ट लगेगा। सबसे पहले हम मेटेरियल लेबर लिख लेते हैं, मेटेरियल एंड लेबर, ठीक है, जो कि पर यूनिट फिक्स्ड है बट टोटल में वेरी करेगा, ठीक है। तो देखो मेरा मेटेरियल कॉस्ट प्रीवियसली लगा हुआ है 8,07,000, कितने यूनिट बनाने के लिए 8,07,000 लगा है बताओ तुम लोग? 8,07,000 जो लगा है कितने यूनिट बनाने के लिए, 90% कैपेसिटी में कित हाँ 13,000 13,000। ये देखो यहाँ पर 90% यानी 13,500, ये क्वेश्चन में मिलेगा तुम लोगों को 13,500, ये बता दिया हम लोगों को। तो 8,07,000 डिवाइडेड बाय यहाँ पर 13,500 कर देते हैं तो हमें पर यूनिट का मिल जाएगा, एक एक यूनिट का। ये पूरा 13,500 का है, 13,500 से डिवाइड करेंगे तो एक एक यूनिट का पता चल जाएगा। तो फिर 1500 का कितना होगा? मैंने डायरेक्टली 1500 क्यों लिया, मुझे बोला है कि एक्स्ट्रा प्रोडक्शन का खर्चा बताओ। तो देखो 13,500 तो पहले से ही बन रहा है, वो तो लगेगा ही, और 15,000 जो है वो तो ऐसा नहीं है कि 13,500 एंड 15,000, 13,500 एंड 15,000 ऐसे थोड़ी ना प्रोडक्शन हो रहा है। ये तो मैक्सिमम है 100%, मतलब इंक्रीमेंट कितना हुआ है 1500। वैसे भी क्वेश्चन में साफ साफ बता भी दिया है कि 1500 इंक्रीज हो रहा है, लेकिन अगर नहीं भी बताए तो तुम लोग इंक्रीमेंट कैसे निकालोगे? अगर 100% में 15,000 है तभी तो 90% में कितना होगा, 15,000 का 90% 13,500, तो इसका मतलब इंक्रीमेंट यूनिट हो जाता है 1500। तो हम 1500 का इंक्रीमेंट का खर्चा निकालेंगे, बिकॉज क्वेश्चन मुझे वही कह रहा है कि बताओ कि डिफरेंशियल कॉस्ट कितना होगा, डिफरेंस कितना प्रोडक्शन कर रहे हैं 1500। अब इसका कैलकुलेशन करके तुम लोग बताओ कितना आ रहा है, 8,07,000 डिवाइडेड बाय 13,500 इनटू 1500, 8,933 8,966,7 7 कर देते हैं क्योंकि 0.6 है। देखो 5 मतलब 5 से ज्यादा होने से वहां 7 ले लेना चाहिए हमें। मेटेरियल एंड लेबर कॉस्ट पता चल गया कितना चेंजेस होगा, तो मेटेरियल लेबर कॉस्ट एक्स्ट्रा 1500 के लिए इतना एक्स्ट्रा लगेगा, ठीक है। अच्छा अब मेटेरियल लेबर पहले लिख लिया हम लोगों ने, अब फिक्स्ड एक्सपेंस से चलते हैं। जैसे कि मैंने तुम लोग को पहले भी कहा कि हमारा यूनिट चेंजेस में फिक्स्ड एक्सपेंस चेंज नहीं होना चाहिए, क्योंकि फिक्स्ड एक्सपेंस इररिलेवेंट होता है, चाहे जितना भी प्रोडक्शन करो। अगर फैक्ट्री बंद भी है तो जितना रेंट लगेगा, फैक्ट्री में अगर 10,000 यूनिट प्रोडक्शन हो रहा है जितना रेंट लगेगा, 20,000 में भी उतना ही लगता है। लेकिन अगर हमारा प्रोजेक्ट ऐसा है जो हमारे फिक्स्ड कॉस्ट को भी
भी बढ़ा रहा है, देखो ये स्पेशलाइज क्वेश्चन में फिक्स्ड कॉस्ट को भी बढ़ा रहा है, तो हमें वो कंसिडर करना पड़ेगा ऑब्वियसली ना. अगर मान लो मेरा एक ही फ्लोर में प्रोडक्शन हो रहा था, ठीक है, लेकिन मेरा प्रोडक्शन इतना ज्यादा बढ़ गया है कि मुझे उस फ्लोर में नहीं हो रहा है, तो मैंने और एक जगह रेंट ले लिया, तो बढ़ा ना मेरा फिक्स्ड एक्सपेंस. अगर फिक्स्ड एक्सपेंस बढ़ रहा है तो वो रेलिवेंट है, पॉकेट से अगर कैश आउटफ्लो हो रहा है तो ऑब्वियसली रेलिवेंट है. तो फिक्स्ड एक्सपेंस कितना इंक्रीज कर रहा है अगर हम लोग अपना यूनिट 1500 बढ़ा रहे, तो तुम लोग क्वेश्चन में देख के बताओ फिक्स्ड एक्सपेंस कितना इंक्रीज कर लिया, दिख रहा है तो यहाँ से दिए देखो 100 करेक्ट, 3,500 से 3,500 से 3,600 हो गया 100. तो फिर कंसीडर तो करना पड़ेगा, अगर इंक्रीमेंट है तो कंसीडर करना पड़ेगा. तो यहाँ पर लिखते हैं फिक्स्ड एक्सपेंस कितना बढ़ रहा है, क्योंकि हम लोग को वही देखना है कि कितना कॉस्ट बढ़ रहा है. तो 3,600 बन गया 3,500 से, ठीक है, तो ये रेलिवेंसी हो जाएगा यहाँ पर, 100 rupees मेरा इंक्रीज हो रहा है. अच्छा, अब और क्या खर्चा देखना है, सेमी फिक्स्ड एक्सपेंस, इसका जितना इंक्रीज हुआ है उतना ले लेंगे माइनस करके, ठीक है, सेमी फिक्स्ड एक्सपेंस, ये तो बता ही दिया है, कुछ कैलकुलेट भी नहीं करना है, कितना हो रहा है सेमी फिक्स्ड एक्सपेंस, 1,500 हो जा रहा है 97,500 से, 1,500 माइनस 97,500, तो देखो कितना आ रहा है, ये आ रहा है 3,000, इतना खर्चा 3,000. अच्छा, उसके बाद वेरिएबल देख लो, ये दोनों अदर देन मेटेरियल लेबर, बस इसमें मेटेरियल लेबर निकालना ही थोड़ा अलग पॉइंट था, बाकी तो कुछ नहीं, तुम लोग को माइनस कर करके बताना है कितना बढ़ गया है बस. वेरिएबल एक्सपेंस 1,49,500 हो गया है, पहले था 1,45,000, कितना हो रहा है 4,500. हाँ 4,500. अब टोटल कर लो, इतना ही मेरा डिफरेंशियल कॉस्ट आएगा. डिफरेंशियल कॉस्ट मतलब मेरा एक्टिविटी लेवल चेंज होने पे कॉस्ट जितना बढ़ जाता है, दैट इज डिफरेंशियल कॉस्ट. टोटल करना 97,267. ये हो गया डिफरेंशियल कॉस्ट. देखो क्वेश्चन बड़ा ही आसान था, कुछ नहीं करना था, तुम लोग को इन दोनों में डिफरेंस देखना था, इसमें डिफरेंस देखना था, इसमें डिफरेंस देखना था. बट एक चीज तुम लोग अगर देखो तो फिर मेरा प्रॉफिट अगर 10% बता रहा है, कैसे चेक करना चाहिए कि मेटेरियल लेबर का कॉस्ट मुझे नहीं बताया है, कैसे पता चलेगा तुम लोगों को, देखो 10% अगर मेरा प्रॉफिट है तो जैसे ही हम 15 lakh से 10% प्रॉफिट लेस करेंगे मुझे कॉस्ट पता चलेगा, ठीक है. और मेरा कॉस्ट यहाँ पर दिया हुआ है, लेकिन ये सब कॉस्ट अगर तुम लोग ऐड करोगे ना, जैसे देखो 3,500,000, ठीक है, प्लस 97,500 प्लस 1,45,000, तो टोटल कॉस्ट यहाँ पर आ रहा है ना 5,43,000. ये सब ऐड करके, चाहे कॉस्ट का नेचर कैसा भी हो, फिक्स्ड वेरिएबल सेमी वेरिएबल कुछ भी हो, लेकिन जैसे 10% तुम लोग प्रॉफिट माइनस कर रहे हो ना इससे, तो तुम लोग का कॉस्ट पता चलेगा, बिकॉज सेल से प्रॉफिट हटाने से हमें कॉस्ट पता चलता है, दैट इज 13,50,000 हो रहा है टोटल कॉस्ट. लेकिन यहाँ पर टोटल कॉस्ट कितना आ रहा है 5,43,000. इसका मतलब कुछ ना कुछ कॉस्ट तो और भी है जो यहाँ लिखा हुआ नहीं है. तो इन दोनों का डिफरेंस अगर देखोगे ना, ये देखो इन दोनों का डिफरेंस अगर देखोगे, दैट इज 8,07,000, ठीक है, वही मेरा मेटेरियल और लेबर का कॉस्ट आ जाएगा. क्योंकि अगर इसमें सारा कॉस्ट लिखा हुआ रहता तो टोटल करने से ये इसके साथ हमारा वैरी नहीं करना चाहिए था, जो कि वैरी कर रहा है. ठीक है, तो पॉइंट ए कंप्लीट हुआ. अब पॉइंट बी में देखो क्या बोल रहा है. अच्छा, व्हाट वुड यू रिकमेंड फॉर एन एक्सपोर्ट प्राइस फॉर दिस, एक्सपोर्ट प्राइस फॉर दिस 1500 यूनिट. अगर ये एक्स्ट्रा 1500 यूनिट हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं तो कौन सा प्राइस में एक्सपोर्ट करना चाहिए, मतलब एक्सपोर्ट का भी तो प्राइस होगा, तो वो प्राइस क्या होगा. टेकिंग इनटू अकाउंट, ये हमें सोचना है दैट ओवरसीज प्राइसेस आर मच लोअर देन इंडिजिनियस प्राइसेस, मतलब ओवरसीज मतलब जो हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो प्राइस कम होना चाहिए. ठीक है, एक्सपोर्ट प्राइस जो है वो हमारा कम होना चाहिए. अभी से करेंटली सेलिंग प्राइस क्या है बता सकते हो, 15 lakh rupees अगर सेल करके आ रहा है 13,500 यूनिट, तो कितने पर यूनिट में हम लोग बेच रहे हैं बता सकते हो, एकदम
एक बेसिक से सवाल पूछ रहे हैं कि अगर डिवाइड करने से हो जाएगा सेल्स माइनस यूनिट, ए सेल्स डिवाइडेड बाय यूनिट में, हाँ सेल्स डिवाइडेड बाय यूनिट कितना आ रहा है देख लेते हैं एक बार, 111 111.1111 ऐसा कुछ आ रहा है, डिवाइड करके देखो 15 लाख से 13,500, तो पता चल जाएगा सेलिंग प्राइस पर यूनिट क्या है। लेकिन इससे हमारा ओवरसीज प्राइस यानी एक्सपोर्ट प्राइस कम होना चाहिए अगर हम लोग ये 1500 को एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। तो मुझे बताओ ये 1500 का प्राइस हम लोगों को कितना रखना पड़ेगा, कैसे कैलकुलेट करेंगे ये देखो, कैसे कैलकुलेट करोगे, मेरा इतना खर्चा हो रहा है कितने यूनिट के लिए, ये जो मेरा एक्स्ट्रा खर्चा हो रहा है ये कितने यूनिट के लिए हो रहा है 1500, तो पर हाँ तो पर यूनिट के लिए कितना हो रहा है बताओ, डिफरेंशियल कॉस्ट पर यूनिट 97,267 डिवाइडेड बाय 1500 यूनिट्स, करेक्ट 97,267 डिवाइडेड बाय 1500, तो ये आ रहा है डिवाइडेड बाय 97,267 डिवाइडेड बाय 1500 ये आ रहा है 64.844 ऐसा आ रहा है, हम 84 अप्रॉक्स ले लेते हैं ठीक है, इतना आ रहा है एक यूनिट प्रोडक्शन करने का डिफरेंशियल कॉस्ट आ रहा है ठीक है। तो मिनिमम कितना होना चाहिए, यहाँ पर बोला है कि टेकिंग इनटू अकाउंट ओवरसीज प्राइस लोअर होना चाहिए इंडिजियस प्राइस से, तो ये लोअर तो हो ही रहा है क्योंकि 111 रुपए में हम लोग बेच रहे हैं, यहाँ पर कॉस्टिंग हमारा इतना आ रहा है। अब इस पे प्रॉफिट जितना लगाएंगे वो हम लोग चाहे तो 111 से कम ही रख सकते, उसमें प्रॉब्लम नहीं होगा क्योंकि बोला है एक्सपोर्ट प्राइस इसका कितना होना चाहिए, तो मेरा एक्सपोर्ट जो यूनिट करना चाहते उसका कॉस्ट इतना होगा, तो द मिनिमम प्राइस कितना होगा कैसे लिखेंगे ये लिखना पड़ेगा, द मिनिमम price of these 1500 unit should not be less than 64.84। इसका मतलब क्या हुआ देखो, हमें बोला है कि हम लोग लोकल मार्केट में जितने में बेचते हैं उससे कम में हमें एक्सपोर्ट करना है, कर देंगे कोई बात नहीं, उससे कम में एक्सपोर्ट कर सकते, क्यों कर सकते क्योंकि मेरा कॉस्टिंग ही आ रहा है 64.84। तो इसका मतलब जो एक्सपोर्ट प्राइस रखेंगे वो मुझे 111 से कम रखना है, जो कि मेरा 111.11 ऐसा जो आया था जो कि मेरा लोकल मार्केट का प्राइस है उससे कम रखना है, तो रख सकते हैं क्योंकि मेरा कॉस्टिंग ही इतना आया है तो कम से कम इतना तो लेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे तब 64.84 तो लेंगे प्लस इसमें कुछ प्रॉफिट जोड़ेंगे, ऑब्वियसली कॉस्ट में तो हम बेचने वाले हैं नहीं, इसमें प्रॉफिट लगा के जोड़ेंगे। और देखो इसीलिए बोल रहा है कि मेरा जो एक्सपोर्ट प्राइस है वो कम से कम, इससे कम तो नहीं होना चाहिए, इससे कम होगा तो मेरा लॉस हो जाएगा, ये तो मेरा कॉस्टिंग आ रहा है ना, इतना तो मुझे पे करना ही पड़ेगा अगर मुझे प्रोडक्शन करना है, एक एक यूनिट पे मेरा इतना का खर्चा बन ही रहा है, तो मुझे जो प्राइस रखना है एक्सपोर्ट प्राइस वो 64.84 से तो कम नहीं होना चाहिए, इससे ज्यादा ही होगा, प्रॉफिट लगा के बेचेंगे लेकिन वो 111 के अंडर ही आ जा रहा है ठीक है, मतलब 111.11 ये मेरा लोकल मार्केट का प्राइस है जिसको एक्सीड नहीं कर रहा है ठीक है। तो फिर हमारा प्राइस क्या होना चाहिए कैसे लिखेंगे, द मिनिमम प्राइस ऑफ दिस 1500 यूनिट शुड नॉट बी लेस देन, इससे कम नहीं होना चाहिए, अब इससे ज्यादा इतना रखेंगे जो कि 111 को क्रॉस ना करे, क्योंकि हमें बोला है कि 111 से क्रॉस मत करो, इंडिजिनियस प्राइसेस से कम होना चाहिए। तो ये वाला तो हो गया, चलो अब क्वेश्चन नंबर 16 देखो क्या बोला है यहाँ पर, देखो द ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ ए कंपनी इज एज फॉलो, सेल्स 80,000 यूनिट एट द रेट ऑफ 15 करके 12 लाख, अच्छा इतना सेल हो रहा है, यूनिट प्राइस दोनों बता दिया है, यहाँ पर सेल्स वैल्यू बता दिया, कॉस्ट में वेरिएबल, ये वेरिएबल है, वेरिएबल में मेटेरियल लेबर और ओवरहेड ये तीनों वेरिएबल है ठीक है, उसके बाद फिक्स्ड खर्चा प्रॉफिट। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, बोल रहा है कि द कैपेसिटी ऑफ द प्लांट इज 1 लाख यूनिट, तो प्लांट 1 लाख यूनिट इसका कैपेसिटी है लेकिन करेंटली देखो 80,000 यूनिट प्रोडक्शन कर रहा है यानी फुल कैपेसिटी यूटिलाइज नहीं कर रहा है। एक कस्टमर फ्रॉम यूएसए इज डिजायर of buying
20,000 यूनिट एट अ नेट प्राइस ऑफ 10 पर यूनिट. अच्छा मतलब एक्सपोर्ट करना है. एक्सपोर्ट करना है कितना यूनिट? 20,000 यूनिट का डिमांड है जो हमें एक्सपोर्ट करना है, और उसमें प्राइस कितना लगाना पड़ेगा? 10 पर यूनिट. मतलब जो खरीदना चाहता है वो 10 रुपए से खरीदना चाहता है, जबकि हम लोग लोकल मार्केट में इसे 15 रुपए में सेल कर रहे हैं एक एक यूनिट को. अगर ओवरसीज मतलब एक्सपोर्ट करेंगे तो वो 10 रुपीज करके लग जाएगा, ठीक है. और उसके साथ साथ हम लोग 80,000 प्रोडक्शन कर रहे हैं, लेकिन मुझे और भी फिर 20,000 प्रोडक्शन करेगा अगर हम लोकल मार्केट वाला बंद नहीं करना चाहते. तो कोई बंद थोड़ी ना करेगा, लोकल मार्केट में 80,000 चल रहा है, ठीक है. और 20,000 प्रोडक्शन करना पड़ेगा एक्सपोर्ट करने के लिए, और एक्सपोर्ट प्राइस जो है वो 10 पर यूनिट करके है. एडवाइस द प्रोड्यूसर वेयर और नॉट ऑफर शुड बी एक्सेप्टेड. क्या उन्हें ऑफर लेना चाहिए, मतलब एक्सपोर्ट उन्हें करना चाहिए या फिर लोकल में जैसे चल रहा है वही करना चाहिए. विल योर एडवाइस बी डिफरेंट इफ द कस्टमर इज लोकल वन. अगर ये 20,000 यूनिट एक्सपोर्ट करने के जगह अगर हम लोग लोकल मार्केट में ही सेल करते तो फिर मेरा कमेंट क्या होगा, मतलब मेरा रिकमेंडेशन क्या होगा कि इनको एक्स्ट्रा 20,000 यूनिट प्रोडक्शन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए. तो एकदम देखो बेसिक सा यहाँ पर क्या पूछा है हम लोग को, ये अगर जिस्ट करे इसका समरी यही है कि करेंटली 80,000 यूनिट बना रहा है जबकि प्रोडक्शन कैपेसिटी 100,000 है. अगर 20,000 और बनाएगा तो प्रोडक्शन कैपेसिटी फुल्ली यूटिलाइज होगा, लेकिन सिर्फ कैपेसिटी देखने से तो नहीं होगा. ये प्रोडक्शन करके अगर हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे जहां मुझे लोकल में 15 रुपए मिल रहे वहां मुझे 10 रुपए मिलेंगे, तो मुझे देखना पड़ेगा इसमें मेरा प्रॉफिट होगा या नहीं होगा. ऐसा बात तो नहीं है कि 10 रुपए में बेचने से लॉस ही होगा, वो तो चेक करना पड़ेगा कि मेरा लॉस हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है. अगर प्रॉफिट होगा तो हम ये जो ऑफर है उसे एक्सेप्ट करेंगे, अगर नहीं होगा तो नहीं करेंगे. और सेकेंड जो पूछ रहा है कि अगर यही 20,000 हम लोकल मार्केट में बेचते हैं तो उसमें मेरा क्या रिकमेंडेशन होगा, तो वो भी मुझे देखना पड़ेगा कि लोकल मार्केट में क्या कंडीशन होगा अगर हम लोकल मार्केट में सेल करेंगे ये 20,000 यूनिट. तो देखो कैसे चेक करना पड़ेगा. मैम पहले पहले वाला सम दिखा दीजिए ना, 15 नंबर. अच्छा ये लो. हो गया मैम. अच्छा यहाँ पर लिखेंगे स्टेटमेंट शोइंग कंप्यूटेशन ऑफ प्रॉफिट. बिफोर एंड आफ्टर एक्सेप्टिंग द ऑर्डर. अच्छा देख लो एक बार मैंने क्या लिखा है. बिफोर एंड आफ्टर एक्सेप्टिंग द ऑर्डर. बिफोर एंड आफ्टर एक्सेप्टिंग द ऑर्डर. अच्छा पर्टिकुलर लिखो. अच्छा पर्टिकुलर के बाद हमें लिखना पड़ेगा कि क्या क्या कंडीशन. हमारे पास दो कंडीशन है, एक तो प्रेजेंट कंडीशन, प्रेजेंट कंडीशन जिसमें हम लोग कितना यूनिट प्रोडक्शन करें यहाँ पर लिख देते हैं. देखो प्रेजेंटली हम लोग 80,000 यूनिट प्रोडक्शन कर रहे हैं, ठीक है. अच्छा उसके बाद लिखेंगे ऑर्डर, ऑर्डर वैल्यू, ऑर्डर कितना हो रहा है, ठीक है. ऑर्डर हो रहा है हमें 20,000 का, इससे हमारा प्लांट का फुल्ली फुल कैपेसिटी यूटिलाइज होगा. अच्छा और यहां पर लिखते हैं टोटल आफ्टर एक्सेप्टिंग द ऑफर. टोटल आफ्टर एक्सेप्टिंग ऑफर ये 100,000 यूनिट टोटल प्रोडक्शन करना पड़ेगा अगर हम लोग ऑफर को एक्सेप्ट कर रहे हैं. तो ये तीन कॉलम हमें प्रिपेयर करना पड़ेगा. मतलब बिफोर एक्सेप्टिंग द ऑर्डर, आफ्टर एक्सेप्टिंग द ऑर्डर, और सिर्फ ऑर्डर एक्सेप्ट करने का कितना हो रहा है ये. अच्छा तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिखेंगे सेल्स. Q
क्योंकि मुझे देखना है मेरा प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस, तो सेल से सारा कॉस्ट माइनस करना पड़ेगा। मैंने पहले ही तो बताया ऑफर तभी लेंगे अगर हमें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस वो पता चल जाए। तो प्रॉफिट या लॉस देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यही स्टेटमेंट देखो ना, ये जो क्वेश्चन पूरा बना हुआ है ना, देखो ये पूरा प्रॉफिट का ही स्टेटमेंट बना हुआ है। सेल से कॉस्ट माइनस करने से हमें प्रॉफिट मिल जाता है, इसी चीज को हमें वहां पर अलग अलग पार्ट पार्ट में करना है। एक बार तो 80,000 के लिए करना है, और एक बार 20,000, और एक बार 1,00,000 के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पर देखो सेल्स हो रहा है 12,00,000, यहाँ पर लिख देते हैं, हमें काउंट करके बता दिया है 12,00,000 ये रुपीस, ठीक है, सेल्स 12,00,000। अच्छा, अगर हम लोग ऑर्डर वैल्यू ये वाला ले रहे हैं 20,000 वाला, तो हमारा सेल्स वैल्यू क्या होगा? हम लोग पहले ये एक्सपोर्ट प्राइस का निकाल रहे हैं, ठीक है, उसके बाद लोकल मार्केट वाला देखेंगे। अगर हम लोग 20,000 यूनिट एक्सपोर्ट करेंगे तो सेल्स वैल्यू कितना होगा बताओ? 10 रुपए करके, है ना, 20,000 × 10 तो 2,00,000। हाँ, 20,000 × 10 होने से 2,00,000, तो यहाँ पर 2,00,000 अगर हम लोग एक्सपोर्ट करेंगे तो हमारा ये सेल्स वैल्यू हो जाएगा। तो टोटल सेल्स वैल्यू कितना हो जाएगा? 12 और 2, मतलब अगर हम लोग कुछ लोकल मार्केट में जो बेच रहे हैं 80,000 ये कंटिन्यू रखते हैं और 20,000 एक्सपोर्ट करते हैं, तो मेरा टोटल सेल्स वैल्यू ऑर्गेनाइजेशन का हो जाएगा 14,00,000, इतना सेल करके उन्हें मिल जाएगा। अच्छा, अब ये तो सेल हुआ, इससे कॉस्ट लेस करेंगे प्रॉफिट पता चलेगा। कॉस्ट में है वेरिएबल में मेटेरियल, तो यहाँ पर लिखते हैं वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, तो फर्स्ट है मेटेरियल। अच्छा, मेटेरियल कॉस्ट दिया हुआ है 2,40,000। अच्छा, इसका बता सकते हो, क्योंकि मेटेरियल एक वेरिएबल कॉस्ट होता है, वेरिएबल का पर यूनिट फिक्स्ड होता है। तो अगर 80,000 यूनिट बनाने का 2,40,000 मेटेरियल कॉस्ट खर्चा होगा, तो 20,000 का कितना होगा? पहले पर यूनिट निकालो, 2,40,000 फॉर 80,000, देन फॉर 1 यूनिट कितना होगा? 2,40,000 से डिवाइड कर दो, कितना करके हो रहा है मेटेरियल कॉस्ट बताओ, कितना करके हो रहा है? हम यहाँ पर लिख देंगे एट द रेट ऑफ बोल के, तो तुम लोग इजीली याद रह जाएगा, तुम लोग को कॉपी में तुम लोग भी उसी तरह से लिखो। अगर 2,40,000, ये तो रुपीज है ना, 2,00,000, ये देखो ना मैंने रुपीज कॉलम बनाया, 2,40,000 का खर्चा हुआ 80,000 यूनिट के लिए, तो फिर एक एक यूनिट के लिए कितना मेटेरियल लगा होगा? 3 रुपीज, 8×3 = 24 ना, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 60,000, 60,000, क्योंकि 20,000 यूनिट 3 रुपए करके 60,000, तो टोटल मेटेरियल का खर्चा हो जाएगा 3,00,000, टोटल मेटेरियल का खर्चा हो जाएगा 3,00,000। अच्छा, इसी तरह से तुम लोग लेबर का बताओ मुझे, लेबर का ये देखो, लेबर का बता रखा है 3,20,000, बताओ कितना होगा? एट द रेट ऑफ कितना करके हो रहा है, डिवाइड करके बताओ? 4 होगा, 4 हो रहा है, हाँ, एट द रेट ऑफ 4, तो फिर 20,000 का कितना हो जाएगा? 80 होने से ये टोटल कितना हो जाएगा? 320 और 80, 4,00,000, ये देखो 4,00,000। अच्छा, नेक्स्ट लेबर के बाद है वेरिएबल ओवरहेड, ओवरहेड ये वेरिएबल ही है, ठीक है, क्यों वेरिएबल है? देखो ओवरहेड तो दो तरह का होता है, इसके अंडर लिखा हुआ है ना, इसलिए वेरिएबल ओवरहेड। 1,60,000, तो कितना हो रहा है पर यूनिट? 80,000 के लिए है 1,60,000, 4 रुपया एट द रेट ऑफ 4, नहीं 4 तो नहीं, 2 रुपया, 2, हाँ 2, 2 रुपया, अच्छा 2, मुझे लगा 4 रुपया, 2, 8×2 = 16, अच्छा 2 से कितना हो जाएगा फिर यहाँ पर? 40,000, तो 40 और 1,60,000, ये हो गया 2,00,000, ठीक है। तो ये सेल्स हो गया, ये वेरिएबल कॉस्ट हो गया, ठीक है। अब हम लोग निकालेंगे कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन का मतलब होता है जब हम लोग सेल से सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट ही पे कर पा रहे हैं। हम लोग सेल करने के बाद पहले हमारा जो कोशिश होता है वेरिएबल कॉस्ट को पे करना, क्योंकि पता है फिक्स्ड कॉस्ट उतना जल्दी रिकवर नहीं होता है। तो सेल से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करने से जो मिलता है उसे हम लोग बोलते हैं कंट्रीब्यूशन। तो पहले कंट्रीब्यूशन निकालेंगे, तो सिंपल कुछ नहीं करना है, तुम लोग को सेल से ये माइनस कर देना है। तो इसका टोटल कर लो 2,00,000, ये एक तो टोटल दिया, हाँ ये देखो 7,20,000 माइनस करना पड़ेगा, हाँ बताओ कितना बता रहे थे? 4,80,000, हाँ करेक्ट, 4,80,000 सेल से वेरिएबल कॉस्ट, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर कितना हो रहा है? 60, 40, 1,80,000, 2,00,000 से 20,000,
20,000, ये हो गया 20,000 कंट्रीब्यूशन। तो ये कितना होगा, ये इन दोनों का टोटल होना चाहिए। देख लो ऐसे भी, 4, 2, 6, 6 और 3, 9, 14 लाख, 5 लाख, 5 लाख, ये हो गया कंट्रीब्यूशन। ठीक है, अच्छा अब कंट्रीब्यूशन से क्या माइनस करेंगे, फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक है, फिक्स्ड कॉस्ट, क्योंकि वैसे देखो क्या होता है, सेल से टोटल कॉस्ट माइनस करने से ही हमें मिल जाता है प्रॉफिट। तो हम लोग यहाँ पर अलग अलग करके ही करेंगे, मार्जिनल कॉस्टिंग में कंट्रीब्यूशन तो दिखाना ही पड़ता है। तो फिक्स्ड कॉस्ट माइनस करेंगे, फिक्स्ड कॉस्ट यहाँ पर 3,20,000 है। अच्छा अब मुझे एक चीज बताओ कि यहाँ पर मेरा फिक्स्ड कॉस्ट कितना होगा, 20,000 यूनिट के लिए फिक्स्ड कॉस्ट कितना होगा? अगर मेरा 80,000 के लिए 3,20,000 है तो फिर 20,000 के सेम होगा, करेक्ट, चेंज नहीं होगा। ठीक है, जब तक क्वेश्चन हमें ना बोल दे कि मेरा प्रोजेक्ट ऐसा है कि वो मेरे फिक्स्ड कॉस्ट को इंक्रीज कर रहा है, तब तक हम लोग यही मानेंगे कि मेरा फिक्स्ड कॉस्ट फिक्स्ड है, तभी तो वो फिक्स्ड है, सेम होगा। और टोटल अगर हम लोग लिखना चाहे तो वहां पर ऑब्वियसली 3,20,000 फिर से लिख सकते हैं ना। देखो यहाँ टोटल कॉलम में तो हम लोग 3,20,000 लिख ही सकते हैं, ये तो पूरे कैपेसिटी के ऊपर हो रहा है ना, तो यहाँ पर भी हम लोग कितना लिखेंगे, 3,20,000। ठीक है, इन दोनों को जोड़ के ही तो लिखना है, तो 3,20,000 प्लस 0, तो 3,20,000 यहाँ पर प्रॉफिट, प्रॉफिट प्रॉफिट हो जाएगा। ये कितना हो रहा है, यहाँ क्या हुआ था, 1,60,000। हाँ ये देखो 1,60,000। अच्छा यहाँ पर 20,000 और यहाँ पर फिर 1,80,000 होना चाहिए, माइनस करके देख लो इन दोनों का टोटल, 1,80,000 का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, तो प्रॉफिट हमारा इंक्रीज हो रहा है। देखो अगर तुम लोग इसको देखोगे तो प्रॉफिट जो है, ये देखो प्रॉफिट जो है ये मेरा इंक्रीज हो रहा है। अगर हम प्रोडक्शन 20,000 एक्स्ट्रा ले रहे हैं और एक्सपोर्ट कर रहे हैं, मैंने ये पूरा एक्सपोर्ट के बेसिस पे किया क्योंकि मैंने यहाँ पर 10 इंटू किया है ना, तो फिर ये एक्सपोर्ट बेसिस पे, तो एक्सपोर्ट करने पर करेंटली मेरा प्रॉफिट जहां 1,60,000 है, अगर हम एक्सपोर्ट वाला ऑफर भी एक्सेप्ट कर लेते हैं तो मेरा जो प्रॉफिट है वो 1,80,000 हो जाएगा। इसका मतलब इंक्रीमेंट 20,000 होगा, तो हमें ये ऑफर एक्सेप्ट करना चाहिए। तो यहाँ पर लिखते हैं कि ऑफर एक्सेप्ट करना चाहिए, तो इसके लिए क्या लिखेंगे, देखो एज द प्रॉफिट इंक्रीज्ड बाय रुपीज 20,000 बाय एक्सेप्टिंग द ऑर्डर, इट इज एडवाइज्ड टू एक्सेप्ट द सेम। तो फिर हमें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए क्योंकि हमारा प्रॉफिट है वो बढ़ रहा है, तो ये लिखना पड़ेगा तुम लोग को। देखो फिर से एक बार यहाँ दिखा देते, देखो क्या लिखा है, एज द प्रॉफिट इंक्रीज्ड बाय 20,000 बाय एक्सेप्टिंग द ऑर्डर, इट इज एडवाइज्ड टू एक्सेप्ट द सेम। ठीक है, अच्छा अब देखो यहाँ पर ये तो पहला पॉइंट गया, और नेक्स्ट बोला है कि 20,000 यूनिट, ये बोल एडवाइज द प्रोड्यूसर वेदर और नॉट ऑफर शुड बी एक्सेप्टेड, विल यू एडवाइज बी डिफरेंट इफ द कस्टमर इज लोकल वन। अगर कस्टमर लोकल हो तो हमें क्या करना चाहिए, देखो कस्टमर अगर लोकल होगा और अगर हम लोग उसे 10 रुपीज करके ही सेल कर रहे हैं, यहाँ पर मैंने स्टार्टिंग में थोड़ा सा पॉइंट जो है वो उसका एक्सप्लेनेशन अलग हो गया था मेरे से। देखो यहाँ पर लोकल पर्सन को भी हम लोग को 10 रुपए में ही देना, ये पॉइंट बोल रहा है, क्योंकि देखो अगर हम लोग बोल रहे हैं कि 20,000 यूनिट बनाएंगे और उसे एक्सपोर्ट करेंगे तो 10 रुपए में मुझे बेचना पड़ेगा, और यहाँ पर बोल रहा है कि विल योर एडवाइस भी डिफरेंट, हमारा एडवाइस क्या अलग हो जाएगा अगर यही वाला कस्टमर हमारा लोकल हो। बताओ लोकल मार्केट में ऑलरेडी हम लोग 15 रुपए में बेच रहे हैं, अगर हमें 20,000 प्रोडक्शन और करने बोले, अगर हम लोग लोकल मार्केट के लिए भी ये करते हैं तो मेरा प्रॉफिट तो होगा ही। मान लो ये मैंने एक्सपोर्ट नहीं किया और यही ऑफर मुझे कोई लोकल पर्सन बोल रहा है कि आप 20,000 यूनिट मुझे बेच दो 10 रुपए करके हम खरीदेंगे, तो भी मेरा प्रॉफिट होगा। लेकिन मुझे एक चीज बताओ, क्या लोकल मार्केट में मुझे ये 10 रुपए में बेचना चाहिए जहां पर हम 15 रुपए में बेच रहे, क्या ये बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से एक बार मुझे सोच के बताओ, क्या ये बिजनेस मैन के लिए ठीक रहेगा? मतलब लोकल मार्केट में क्या मुझे 2 लोकल मार्केट प्राइस रखना चाहिए, 1 15 और 1 10? बताओ क्या ये हाँ, नो मैम,
नहीं कभी नहीं रखना चाहिए, लोकल मार्केट खराब हो जाएगा ना, लोकल मार्केट खराब हो जाएगा फिर बाकी लोग भी तो डिमांड करेंगे मुझे 10 रुपए करके दो, अगर सब कोई 10 रुपए मांगेंगे तो फिर तुम्हारा प्रॉफिट तो रिड्यूस हो जाएगा, प्रॉफिट आई थिंक हो जाएगा कैलकुलेट करके इसे 10 रुपए में भी देखो तो प्रॉफिट हो जाएगा, लेकिन मेरा मार्केट जो है वो खराब हो जाएगा। तो अगर 10 रुपए में बेचना ही है तो बाहर वाले को बेचो, ठीक है, यहाँ पर लोकल मार्केट में मत बेचो क्योंकि ऑलरेडी तुमने 15 रुपए प्राइस रख रखा है, तो फिर इसमें तुम्हारा मार्केट जो है वो खराब हो जाएगा। तो इसमें लिखेंगे इट शुड नॉट बी एक्सेप्टेड एज इट विल एडवर्सली एफेक्ट द लोकल मार्केट या फिर प्रेजेंट मार्केट, इफेक्ट द प्रेजेंट मार्केट। ये प्रेजेंट मार्केट के लिए कोई अच्छा मैसेज नहीं होगा, हम लोग एक ही मार्केट में रह के किसी को 10 और किसी को 15 में थोड़ी ना बेच सकते, इतना डिफरेंस में नहीं बेच सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि अगर कोई मुझसे बहुत ज्यादा ले रहा है तो किसी को 15 में बेच रहे तो किसी को आई थिंक 14.5 में बेच दो, वो चलता है, लेकिन 50 पैसा 1 रुपया इधर उधर चलता है, कहां 10 कहां 15, ये तो मार्केट को खराब कर देगा, तो ये नहीं चलेगा। लेकिन हाँ एक्सपोर्ट करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, एक्सपोर्ट किसको पता चल रहा है, एक्सपोर्ट प्राइस मेरा अलग हो ही सकता है, ठीक है, लोकल प्राइस एक्सपोर्ट प्राइस डिफरेंट हो सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरह से लिखना पड़ेगा तुम लोग को। अच्छा अब क्वेश्चन नंबर 17 थोड़ा अलग पॉइंट है, इसको नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। 18 करते हैं हम लोग, देखो मिलता जुलता जो भी क्वेश्चन है वो करते हैं। 18 देखो, एन अम्ब्रेला मैन्युफैक्चरर, ठीक है, मेक्स एन एवरेज नेट प्रॉफिट ऑफ 2.50 पर पीस ऑन सेलिंग प्राइस ऑफ 14.30। अच्छा तो देखो, जो अम्ब्रेला मैन्युफैक्चरर है वो प्रॉफिट कमाता है 2.50 पर पीस, एक पीस अम्ब्रेला बेच के 2.50 रुपीस का प्रॉफिट कमाता है, सेलिंग प्राइस 14.30 है, तो मुझे बता सकते हो उसका कॉस्टिंग कितना होता है? सेल प्राइस है 14.30, प्रॉफिट कमा लेता है 2.5 रुपया, तो टोटल कॉस्टिंग कितना हो जाता है एक अम्ब्रेला का माइनस करने से? 11.8, हाँ 12.8, 12.80 रुपए भी होंगे इसमें, ठीक है, तो 12.80 रुपए मेरा कॉस्टिंग आ जाएगा। अच्छा अब कितना प्रोड्यूस कर रहे हैं ये लोग, देखो बाय प्रोड्यूसिंग एंड सेलिंग 6000 पीसेस और 60% ऑफ द कैपेसिटी, तो फिलहाल ये जो सेल चल रहा है, प्रेजेंट सेल चल रहा है 6000 पीसेस का, जो कि इसका कैपेसिटी का 60% ही यूटिलाइजेशन हो रहा है इसमें, ठीक है, जो कैपेसिटी है उसमें 60% वो यूटिलाइज कर रहा है। डायरेक्ट मेटेरियल लग रहा है 3.50, डायरेक्ट वेजेस 1.25, वर्क्स ओवर इट जिसमें 50% फिक्स्ड है यानी 50% वेरिएबल है, यानी ये एक सेमी वेरिएबल खर्चा हो गया। सेलिंग सेल्स ओवरहेड इसमें भी कुछ फिक्स्ड वेरिएबल है तो कुछ फिक्स्ड होगा, अगर 25% वेरिएबल है तो 75% फिक्स्ड होगा, ठीक है, ये भी एक सेमी वेरिएबल खर्चा हो गया। तो फिलहाल ये सब खर्चा करके एक पीस अम्ब्रेला बनाया जा रहा है, ठीक है। अच्छा और उसके बाद यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या बोला, यहाँ पर बोल रहा है कि ये देख लेते एक बार, 12.80 रुपए हुआ क्या, 11.8 आ रहा है, तो कुछ बचा हुआ होगा इसका मतलब, 11.8 अगर आ रहा है तो कुछ बचा हुआ होगा। अच्छा देखते हैं आगे क्या बोला है, ड्यूरिंग द करेंट ईयर ही इंटेंड्स टू प्रोड्यूस, अच्छा कुछ बचा हुआ जो है ना वो फिक्स्ड कॉस्ट होगा आई थिंक, अगर कुछ वेरिएबल नहीं बोला है, मतलब हम क्या बोल रहे हैं पता चल रहा है तुम लोग को? देखो यहाँ पर इसका टोटल करने से ना 11.8 आ रहा है, ये देखो 3 रुपए और यहाँ पर 6 और 3 9 1 10 10 और यहाँ 50 पैसा और यहाँ भी 50 पैसा, 11.80 रुपए, जबकि हम लोगों का यहाँ माइनस करके 12.80 रुपए आए थे। 11.8 आ रहा है मैम, हाँ
ओ अच्छा 11.8 ही आ रहा है क्या, मैंने गलत किया था, चलो 11.8 ही आ रहा है, चलो टैली हो गया। इसका मतलब कोई भी खर्चा रिमेनिंग नहीं रह रहा है, मेरा बात समझ में आया तुम लोगों को? देखो सेल से प्रॉफिट हटाने से टोटल कॉस्ट मिलेगा, और यहाँ पर जो भी कॉस्ट का डिटेल्स था उसको ऐड करने पे 11.80 ही आ गया, मतलब इसके बाहर और कोई खर्चा नहीं है। और इसमें देखो ऑलरेडी फिक्स्ड वेरिएबल भी है, फिक्स्ड भी इसी में इंक्लूडेड है ना, ये देखो यहाँ 50% वेरिएबल यानी 50% फिक्स्ड, और यहाँ पर 75% फिक्स्ड, ठीक है। अच्छा अब यहाँ नेक्स्ट क्या बोला है, देखो ड्यूरिंग द करेंट ईयर, जो हम लोग करेंट ईयर में कितना प्रोडक्शन कर रहे हैं 6000 पीसेस, ही इंटेंड्स टू प्रोड्यूस द सेम नंबर बट एंटिसिपेटेड दैट फिक्स्ड चार्जेस विल गो अप बाय 10% विच डायरेक्ट लेबर एंड मेटेरियल विल बाय 8% एंड 6%, बट ही हैज नो ऑप्शन ऑफ इंक्रीजिंग द सेलिंग प्राइस। अच्छा अब ये क्या प्रॉब्लम है इनके साथ, देखो ये बोल रहा है कि ही इंटेंड्स टू प्रोड्यूस द सेम नंबर, 6000 ही प्रोड्यूस करना चाहते हैं, बट अगर फ्यूचर में कभी ज्यादा बेचना हो, क्योंकि 6000 तो 60% कैपेसिटी है ना, मतलब और भी 40% कैपेसिटी यूटिलाइज कर सकते हैं, यानी मैक्सिमम 10,000 यूनिट वो प्रोड्यूस कर सकते जो कि इनका फुल कैपेसिटी होगा, बिकॉज 6000 अगर 60% के लिए है तो 100% के लिए 10,000, तो अगर फ्यूचर में कभी प्रोडक्शन करना चाहे तो इसीलिए देखो बोल रहा है, बट एंटिसिपेट, बट ये सोच रहा है, फ्यूचर देख रहा है कि फिक्स चार्जेस 10% बढ़ जाएगा, फिक्स्ड एक्सपेंस देखो क्या क्या बोल रहा है, फिक्स्ड कॉस्ट बढ़ेगा कितना 10%, करेंटली जो है उसे 10% बढ़ेगा। अच्छा उसके बाद डायरेक्ट लेबर रेट एंड मेटेरियल विल इंक्रीज बाय 8 एंड 6%, तो डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट मेटेरियल, डायरेक्ट लेबर बढ़ेगा 8% से, डायरेक्ट मेटेरियल बढ़ेगा 6% से, ठीक है, बट ही हैज नो ऑप्शन ऑफ इंक्रीजिंग द सेलिंग प्राइस। बट प्रॉब्लम ये है कि वो सेलिंग प्राइस जो कि 2.5 रुपए करके है इसको इंक्रीज नहीं कर सकते, मेरा खर्चा बढ़ेगा लेकिन हम प्रोडक्ट का दाम बढ़ा नहीं सकते, ये प्रॉब्लम है, ये इनको फ्यूचर का प्रॉब्लम दिख रहा है। तो अंडर दिस सिचुएशन ही ऑप्टेन एन ऑफर फॉर फर्दर 20% ऑफ द कैपेसिटी। अच्छा इनको ऑर्डर आया, ऐसे सोचते सोचते इनके पास ऑर्डर आया कि 20% ऐसा ऑर्डर आया है कि ये अपना जो कैपेसिटी है वो 20% और भी बढ़ाएंगे, ठीक है, मतलब 20% और भी प्रोडक्शन करेंगे, यानी 2000 यूनिट, क्योंकि 100% मतलब अगर 10000 यूनिट होता है तो 20% मतलब 2000, तो 6000 ऑलरेडी बेच रहे हैं और 2000 बेचने का ऑफर आया है, तो व्हाट मिनिमम है, मुझे स्क्रीन तो देखते हो अच्छी ना, स्क्रीन देखते हो अच्छा ना, अच्छा बाकी लोगों को दिख रहा है तो हां चलो इससे, अच्छा चलो इससे রিজয়েন করে নেবে যদি এরকম হয়, আর মনে হচ্ছে নেটের ইস্যু চলছে সবার, খুব প্রবলেম হলে একবার রিজয়েন করে নাও, আজ দেখতে পাচ্ছ তাহলে ঠিক আছে, দেখতে পাচ্ছি। अच्छा अंडर दिस सिचुएशन ही ऑप्टेन एन ऑफर, ये 20%, अच्छा व्हाट मिनिमम प्राइस यू विल रिकमेंडेड फॉर एक्सेप्टेंस टू एंश्योर द मैन्युफैक्चरर ऑन ओवरऑल प्रॉफिट ऑफ 16,730। इसका मतलब देखो 20% तो इनको ऑफर आया है, व्हाट मिनिमम प्राइस यू विल रिकमेंडेड फॉर एक्सेप्टेंस, इनको कितना फिर प्राइस रखना चाहिए, ठीक है, टू एंश्योर दैट द मैन्युफैक्चरिंग एंड ओवरऑल प्रॉफिट ऑफ 16,700, मतलब इनको अपना टोटल प्रॉफिट मैन्युफैक्चर करके, अम्ब्रेला मैन्युफैक्चर करके 16,730 रखना ही है, तो मिनिमम प्राइस ये क्या रिकमेंड करना चाहेंगे सेलिंग प्राइस। वैसे तो पहले बताया है कि सेलिंग प्राइस हम लोग इंक्रीज नहीं कर सकते हैं, ठीक है, तो फिर भी बोल रहा है कि मिनिमम क्या होना चाहिए, मिनिमम प्राइस क्या होना चाहिए, ये हमें फिर से पूछ रहा है। वैसे तो बोला है कि ये देख रहा है कि फिक्स्ड एक्सपेंस बढ़ेगा, लेबर भी बढ़ जाएगा, मटेरियल भी बढ़ जाएगा, बट इनके पास सेलिंग प्राइस इंक्रीज करने का कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है, कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन ऐसे ही एक सिचुएशन में इनको ऑफर आया 20% कैपेसिटी इनको ये बढ़ा सकते हैं, व्हाट मिनिमम प्राइस यू विल रिकमेंड, तो इनको मिनिमम एक अम्ब्रेला का प्राइस क्या रखना चाहिए ये हमसे पूछा जा रहा है, अगर ये अपना प्रॉफिट 16,730 रखना चाहते हैं तो इनको कितना फिर बढ़ाना पड़ेगा सेलिंग प्राइस, ये हमसे पूछा गया है। तो देखो कैसे करना पड़ेगा हमें, पहले तो देखेंगे कि हमारा ये जो प्राइजेस जो बढ़ेगा, ठीक है, प्राइजेस जो बढ़ रहा है उसकी वजह से क्या इफेक्ट आएगा, तो पहले हम लोग लिखेंगे प्रेजेंट जो कंडीशन है, ठीक है, प्रेजेंटली जो कंडीशन है वो क्या है, और जो इंक्रीज होने से क्या चेंजेस होगा, जैसे कि फिक्स्ड एक्सपेंस बढ़ जाएगा, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट मटेरियल ये बढ़ जाएगा,
तो क्वेश्चन नंबर 17 यहां पर लिखते हैं कंप्यूटेशन ऑफ प्रॉफिट ऑफ एट प्रेजेंट आफ्टर इंक्रीज इन कॉस्ट. कंप्यूटेशन ऑफ प्रॉफिट एट प्रेजेंट, ठीक है, प्रेजेंटली जो प्रॉफिट हो रहा है वो कितना होगा अगर हमारा कॉस्ट इंक्रीज हो जाता है. तो क्योंकि इन्होंने कहा ना कि फ्यूचर में इनका जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि फिक्स्ड एक्सपेंस बढ़ जाएगा, मेटेरियल लेबर बढ़ जाएगा, ठीक है. पर्टिकुलर और अमाउंट. सेलिंग प्राइस, अच्छा करेंटली सेलिंग प्राइस कितना है 14.30. अच्छा अब यहां से लेस कर देंगे वेरिएबल कॉस्ट, लेस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट, प्रॉफिट पता चलेगा. वेरिएबल कॉस्ट क्या क्या है? डायरेक्ट मेटेरियल है, डायरेक्ट मेटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, और वर्क्स ओवरहेड का फिक्स वेरिएबल भी है, वर्क्स ओवरहेड इसका वेरिएबल पोर्शन भी है, सेल्स ओवरहेड इसमें भी वेरिएबल पोर्शन है. अच्छा इसमें वेरिएबल है 50% और इसमें वेरिएबल, काम करते इधर लिखते हैं. ये है 25%. अच्छा तो पहले इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं कि अगर हमारा खर्चा जो है वो बढ़ जाएगा तो क्या कंडीशन होगा. तो डायरेक्ट मटेरियल देखो अभी कितना है 3.50, लेकिन ये अगर 6% बढ़ेगा, क्योंकि देखो क्वेश्चन बोला है पहले लेबर फिर मटेरियल, तो मटेरियल 6% हो रहा है, तो मटेरियल अगर 6% बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 3.50 के जगह कितना हो जाएगा, ये देखो ऑलरेडी है 3.50 और इसमें अगर और भी 10% बढ़ जाएगा तो तुम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हो. ये देखो 3.5 × 10% + = हाँ ये क्या दिख रहा है 3.785. अच्छा ये मैंने गलत लिख दिया, 10% लिख दिया ना, सॉरी 6% लिखना है. अरे मैंने 10% लिख दिया, तुम लोग भी नहीं बोल रहे, गलती से लिख दिया, वो तो फिक्स्ड कॉस्ट का है ना, ये 10% लिख दिया गलती से, 6% लिखना पड़ेगा, 6% इंक्रीज हो रहा है. अब करके बताओ, अब सही आएगा 3.71. करेक्ट 3.71. अच्छा वेजेस, वेजेस कितना चल रहा है 1.25, और वेजेस का कितना इंक्रीमेंट है, रुको ठीक से देख लेते हैं नहीं तो फिर गलत लिख देंगे हम, 8%. इस पे 8% इंक्रीज करके देखो कितना होता है 1.35. अच्छा वर्क्स ओवरहेड में वेरिएबल देखना है और ये दोनों ही वेरिएबल देखना है, तो इसमें कोई चेंजेस नहीं है, क्योंकि देखो फिक्स्ड ओवरहेड बढ़ेगा और वर्क्स ओवरहेड का वेरिएबल या फिर सेल्स ओवरहेड का वेरिएबल पोर्शन में कोई चेंजेस नहीं बताया है, लेकिन हमें वेरिएबल पोर्शन तो निकालना पड़ेगा. तो 6.25 में अगर 50% फिक्स्ड है तो वेरिएबल कितना होगा, 6.25 × 50%, आधा फिक्स्ड आधा वेरिएबल, तो आधा कितना होता है देख लो, 3.125. और सेल्स ओवरहेड का 25% वेरिएबल है, कितना था टोटल है 0.80, तो बताओ कितना वेरिएबल होगा, 0.8 × 25%, हाँ 0.2. अच्छा अब हम लोग कंट्रीब्यूशन निकालेंगे, बताओ कंट्रीब्यूशन कितना होगा, माइनस करके बता दो. 5.915.
अच्छा 5.915 कैसे निकाले, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट करके। ये देखो सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, ये वेरिएबल कॉस्ट सारा टोटल कर लो, सेल से माइनस कर दो, 5.915 हो जाएगा। ठीक है, ये पर यूनिट आ गया, ये एक यूनिट का आया ना, क्योंकि ये सेलिंग प्राइस पर यूनिट है। ये देखो ये पर यूनिट है, ठीक है, और ये वेरिएबल कॉस्ट भी पर यूनिट है, एक यूनिट का है, तो ये कंट्रीब्यूशन भी क्या हो गया, पर यूनिट। ठीक है, अच्छा अब हम लोग निकालेंगे टोटल कंट्रीब्यूशन, टोटल कंट्रीब्यूशन। तो टोटल कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा, देखो कितने यूनिट का हो रहा है, ये 6000 पीसेस, 6000 इंटू 5.915। ठीक है, 35,490 ये टोटल कंट्रीब्यूशन हो जाएगा अगर फ्यूचर में हमारा ये फिक्स्ड कॉस्ट इस तरह से बढ़ रहा है। ठीक है, अच्छा फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट जो भी चेंजेस हुआ है उसको मिला के कंट्रीब्यूशन इतना हो जाएगा। अच्छा अब यहां से हम लोग क्या माइनस करेंगे, फिक्स्ड कॉस्ट, तो अभी मुझे प्रॉफिट पता चलेगा, तो यहां से लिखते हैं फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड दो तरह का, एक वर्क्स ओवरहेड और एक सेल्स ओवरहेड, तो यहां पर लिखते हैं वर्क्स ओवरहेड और सेल्स ओवरहेड, तो दोनों ही 10% इंक्रीज होगा। तो वर्क्स ओवरहेड कितना फिक्स्ड है, अगर 6.25 में 3.125 वेरिएबल है तो फिक्स्ड भी कितना होगा, फिक्स्ड भी 3.125 होगा, 3.125 प्लस 3.125 इंटू 10% जितना हो रहा है उतना देखना पड़ेगा। और सेलिंग ओवरहेड अगर 0.80 में 25% फिक्स्ड है तो 75% फिक्स्ड हो जाएगा, यानी 0.60 प्लस 0.60 इंटू 10%। तो ये दोनों का देखो टोटल कर लेंगे कितना हो रहा है, ये हो जाएगा 3.4375, ये वाला हो रहा है, और ये 0.66, और इन दोनों का टोटल कितना हो जाएगा, इन दोनों का टोटल हो रहा है 4.0975 पर यूनिट के हिसाब से। ठीक है, 4.0975, और ये 6000 यूनिट के लिए कितना हो जाएगा टोटल, 24,585। ये देखो 24,585, ये टोटल कैसे कैलकुलेट किया मैंने, देखो तुम लोग देख समझ में आया कि नहीं, देखो 6.25 50% फिक्स था। ठीक है, तो 50% फिक्स्ड यानी 3.125, जितना वेरिएबल उतना ही फिक्स्ड होगा ना, 50% करके देख लो। और मुझे बोला गया है कि से जो फिक्स्ड एक्सपेंस है वो 10% गो अप यानी इंक्रीज होगा, तो 10% मैंने इंक्रीज किया तो पर यूनिट इतना मिल गया, और 80 पैसे में 25% वेरिएबल था तो 70% फिक्स था, तो फिर 70% 60 पैसा हो रहा है। ये देखो ये 20% वेरिएबल था, 60% फिक्स, दोनों मिला के 80, तो ये 60% जो है इसमें भी 10% इंक्रीज करेगा तो वो 66 पैसा हो गया टोटल करके 40975 पर यूनिट, और 6000 के लिए इतना हो जाएगा 24,585। अगर माइनस करेंगे यहां पर, देखो यहां हमें प्रॉफिट मिल जाएगा माइनस करने पे, तो प्रॉफिट कितना हो रहा है, माइनस ये कंट्रीब्यूशन से माइनस कर दो 35,490 905। हाँ 10,905 ये प्रॉफिट आ गया, यहाँ पर लिख देते हैं प्रॉफिट, तुम लोग यहाँ पर प्रॉफिट लिखना और इसके नीचे लिखना। ठीक है, तो ये प्रॉफिट आ गया, कंट्रीब्यूशन से फिक्स्ड कॉस्ट माइनस कर देते हैं तो प्रॉफिट आ गया। अच्छा अब हमें बोला गया है कि प्रॉफिट हमें मिनिमम कितना कमाना है, 16,730, ये मिनिमम हमें प्रॉफिट कमाना है। ठीक है, और हमारा ऑर्डर जो एक्सेप्ट होगा वो कितने परसेंट के लिए हो रहा है, 20%, और 20% मतलब 2000 यूनिट होगा। अभी हम लोगों ने क्या कैलकुलेट किया, अभी हम लोगों ने ये कैलकुलेट किया कि करेंटली हम लोग जो प्रोडक्शन कर रहे हैं ये अगर फ्यूचर में हम लोग प्रोडक्शन करेंगे, क्योंकि प्राइस हमारा ये सब इंक्रीज करेगा लाइक डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट वेजेस और यहाँ पर फिक्स्ड कॉस्ट, तो जो प्रॉफिट हमारा करेंटली चल रहा है वो प्रॉफिट कम हो जाएगा, 2.50 का जो प्रॉफिट है वो कम हो जाएगा बिकॉज हमारा एक्सपेंसेस बढ़ जा रहा है, तो टोटल प्रॉफिट हो जाएगा 10,905। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट की हमें जो प्रॉफिट बोल रहा है कि अर्न करना ही करना है, उस हिसाब से सेलिंग प्राइस क्या रखना चाहिए, तो कंप्यूटेशन ऑफ सेलिंग प्राइस।
अगर हम लोग 2000 यूनिट नया प्रोडक्शन करेंगे तो उसमें हमारा वेरिएबल कॉस्ट कितना होगा, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट ही इंक्रीज होता है, तो वेरिएबल कॉस्ट ऑफ ऑर्डर फॉर 2000, अगर 2000 यूनिट का ऑर्डर आ रहा है तो वेरिएबल कॉस्ट कितना होगा? देखो वेरिएबल कॉस्ट कितना आया है पर यूनिट, ये टोटल करके मुझे बता सकते हो? ये 3.71, 1.35, ये सब टोटल करके देखो वेरिएबल कॉस्ट कितना हो रहा है, हम भी कर रहे हैं। 3.71 प्लस 1.35 प्लस 3.125, अच्छा प्लस 20 पैसे, तो 8.385 हो रहा है। देखो ये तो कंट्रीब्यूशन है ना, इसका टोटल, इसका टोटल हो रहा है 8.385। तो 2000 यूनिट बनाने का खर्चा हो जाएगा 2000 इंटू 8.385, वेरिएबल खर्चा पता लग गया 16,770, ये वेरिएबल खर्चा हो गया, ठीक है। और प्रॉफिट हमें कितना रखना है, ओवरऑल प्रॉफिट हमें 16,730 रखना है, और करेंटली कितना प्रॉफिट हो रहा है 10,905, तो और कितना प्रॉफिट कमाना पड़ेगा, तो यहां पर लिखेंगे रिक्वायर्ड प्रॉफिट। देखो यहाँ पर मुझे पहले ही बताया कि ओवरऑल मैन्युफैक्चरर को प्रॉफिट रखना है अपने ऑर्गेनाइजेशन का 16,730, ठीक है, और अभी तक कितना प्रॉफिट कमा पा रहे 10,905, ये देखो 10,905। तो इसका मतलब और कितना प्रॉफिट कमाना पड़ेगा, देखो और प्रॉफिट कमाना पड़ेगा 5,865, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, देखो अगर हम 2000 यूनिट का एक्स्ट्रा ऑफर ले रहे हैं तो मुझे इतना रुपए और भी खर्च करना पड़ेगा, और मुझे अम्ब्रेला बेच के इतना रुपए का और भी प्रॉफिट जो है फाइंड आउट, मतलब और भी प्रॉफिट मुझे रिकवर करवाना पड़ेगा। हाँ बोलो। टोटल 16,770 हो गए, 730 ना ना, ওটা 730 তো হবে, রিকোয়ার্ড প্রফিট এই যে 16,730 টোটাল দরকার, আর আমি এখন পর্যন্ত 10,905 টাকা প্রফিট আর্ন করতে পারবো যদি আমার ফিউচারে এই কন্ডিশনটা দাঁড়ায়। আর এইটা যেটা লিখেছি না, এটা তো আমার ভেরিয়েবল কস্ট, আর এটা আমার প্রফিটটা, এই তাহলে তো 5825 হবে, 5825 হবে, আচ্ছা 5865770 করলে হচ্ছে। আচ্ছা আচ্ছা, তাহলে আমি ভুল লিখেছি, দাঁড়াও দেখে নিচ্ছি, 10,905, হ্যাঁ 5825। আচ্ছা ইয়ে দেখো, হ্যাঁ ঠিকই বলেছো, দেখো মানে না মাইনাস তো লিখা হয় লেকিন ও গলত মাইনাস কর দিয়া ইয়াহা পর অ্যাকচুয়ালি হাম ইয়ে বাতানা চা রে দেখো পহলে হামারা জো কন্ডিশন থা ইয়ে প্রেজেন্ট কন্ডিশন হ্যায় লেকিন ফিউচার মে আগার ইয়ে সব খরচা বড়েগা তো ফিউচার মে ইতনা ইউনিট বেচ কে 6000 ইউনিট বেচ কে মেরা প্রফিট 10,905 হোগা লেকিন মুঝে মেরা প্রফিট টোটাল 16,730 রখনা হ্যায় তো মুঝে অর কিতনা প্রফিট কা জরুরত হ্যায় 5825। ইয়ে এক পয়েন্ট গিয়া। দূসরা পয়েন্ট ইয়ে আ রাহা হ্যায় কি আগার হাম 2000 का ऑफर एक्सेप्ट कर रहे हैं तो मेरा खर्चा भी वहां पर 16,770 बढ़ेगा, तो ये सारा खर्चा हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, अपना कॉस्ट कैसे रिकवर कर सकते हैं, सेल करके, सेल करते हैं तभी तो कॉस्ट रिकवर होता है, प्रॉफिट से कॉस्ट रिकवर करते हैं। और मुझे अगर इतना प्रॉफिट कमाना है तो मुझे टोटल सेल्स कितना का करना पड़ेगा, तो देखो 16,770, तो मेरा टोटल सेल्स रिक्वायर्ड हो जाएगा 22,595 सेल्स रिक्वायर्ड, ठीक है। तो कम से कम मेरा सेलिंग प्राइस इतना होना चाहिए, सेल्स वैल्यू इतना होना चाहिए, तब जाके मेरा ये भी प्रॉफिट रिकवर होगा और ये कॉस्ट 2000 एडिशनल यूनिट के लिए जो आ रहा है वो भी रिकवर होगा। तो सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितना होगा, ये मैंने टोटल किया है, सेलिंग प्राइस ऐड करले होच्छे ना ऐड করে করলাম তো, ऐड করলাম তো, ऐड তো হলো 5825, হ্যাঁ ऐड ऐड ঠিকই আছে, এবারে ऐड করলাম 22,595 ऐड করে। আচ্ছা अब ये कितने यूनिट के लिए हो रहा है, 2000, ठीक है 2000 यूनिट, तो डिवाइड करो पर यूनिट का कॉस्ट कितना हो जाएगा, सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 11. ये देखो रुपीज
11.2975. हाँ तो अप्रोक्सीमेटली 30 कर देते हैं, अप्रोक्स इतना पर यूनिट, ठीक है। तो 11.30, तो करेंटली हम लोग बेच रहे हैं 14.30। देखो हमारा सेलिंग प्राइस नहीं बढ़ा, जो कि यहाँ पर बताया था कि हम लोग सेलिंग प्राइस इंक्रीज करने का हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो फिर भी अगर हमें इतना प्रॉफिट कमाना है और 2000 यूनिट का ऑर्डर भी लेना है तो हमारा सेलिंग प्राइस क्या होना चाहिए। तो पहले क्या करना है, पहले हम लोगों ने ये देख लिया कि फ्यूचर में अगर कॉस्ट बढ़ेगा तो मेरा प्रॉफिट करेंट सिचुएशन से कितना होगा, 10,905। मुझे मेरा ओवरऑल प्रॉफिट अगर 16,730 रखना है तो मुझे प्रॉफिट चाहिए 5825। प्रॉफिट मुझे कौन देगा, कस्टमर देगा। प्रॉफिट का पेमेंट मुझे कौन करता है, कस्टमर। जैसे कि 10 रुपए का प्रोडक्ट 2 रुपए में प्रॉफिट लगा के बेच रहा है, तो कस्टमर मुझे 12 रुपए जब दे रहा है ना, तो इसका मतलब है वो मेरा कॉस्ट भी पेमेंट कर रहा है, वो मेरा प्रॉफिट भी पेमेंट कर रहा है, ठीक है। तो फिर देखो मुझे अगर किसी कस्टमर से 2 रुपए प्रॉफिट इनकर्ट मतलब लेने हैं, ठीक है, मुझे अगर 2 रुपए प्रॉफिट कमाने हैं एक कस्टमर से और 10 रुपया कॉस्ट का उससे रिकवर करना है, तो उससे मुझे 12 रुपए लेना पड़ेगा। यहाँ पर वही चीज हुआ है, देखो मुझे अगर 2000 यूनिट प्रोडक्शन करना है और मैंने फिक्स्ड कॉस्ट यहाँ पर क्यों कंसिडर नहीं किया, क्योंकि जब तक क्वेश्चन ना बोल दे कि फिक्स्ड कॉस्ट इज रेलिवेंट और इररेलिवेंट, क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट अगर नहीं बढ़ेगा तो हम लोग उसे रेलिवेंट नहीं मानेंगे, और यहाँ पर फिक्स्ड कॉस्ट बढ़ रहा है और जिसका कैलकुलेशन ऑलरेडी मैंने यहाँ कर लिया है, तो इसीलिए फिक्स्ड कॉस्ट और तो इंक्रीज नहीं होगा, ठीक है। 2000 यूनिट लेने पे और तो इंक्रीज नहीं होगा, क्योंकि मैंने इंक्रीज करने के बाद ही ये वाला प्रॉफिट निकाला है, इसीलिए इसका इफेक्ट हम यहाँ पर नहीं दे रहे। तो यहाँ पर क्या हुआ, देखो मैंने 10 रुपए कस्टमर से निकालने हैं तो कितना, 16,770 ये वेरिएबल कॉस्ट मेरा इनकर्ड होगा अगर हम 2000 का ऑफर ले लेते हैं। तो उसके साथ मुझे अगर 2 रुपए प्रॉफिट कमाना है, जो कि यहाँ पर बता रहा है 5825, यहाँ पर अमाउंट चेंज है, तो मुझे कितने रुपए में सेल करना पड़ेगा, 12 रुपए। तो मैंने यहाँ पर लिखा सेल्स रिक्वायर्ड इतना, तो मुझे ये अगर एक यूनिट का सेलिंग प्राइस, या फिर मान लो ये अगर 2 यूनिट का है तो एक एक का कितना हो जाएगा, 6 रुपया डिवाइड करने पे। यहाँ पर वैसे ही ये अगर 2000 यूनिट के लिए आ रहा है, 2000 यूनिट बेचने का खर्चा इतना और 2000 यूनिट बेच के कम से कम मुझे इतना प्रॉफिट निकालना पड़ेगा अगर हम टोटल इतना प्रॉफिट कमाना चाहते हैं। तो फिर मुझे 2000 से इससे मैंने डिवाइड कर दिया तो 11.30 अप्रोक्सीमेटली आ रहा है सेलिंग प्राइस ऑफ ऑर्डर, ऑर्डर का सेलिंग प्राइस इतना आ रहा है। तो इससे मेरा 14.30 से भी कम रहा, जो कि बताया गया है पहले कि हम लोग अपना जो सेलिंग प्राइस है वो किसी भी हालत में इंक्रीज नहीं कर सकते, बट ही हैज नो ऑप्शन ऑफ इंक्रीजिंग द सेलिंग प्राइस। अगर सेलिंग प्राइस इंक्रीज नहीं कर सकते हैं फिर भी मुझे 16,730 का टोटल प्रॉफिट रखना है ओवरऑल, ऐसे नहीं बोला है 2000 से, तो फिर मेरा सेलिंग प्राइस क्या होना चाहिए। तो मेरा सेलिंग प्राइस 11.30 करके आ रहा है। क्वेश्चन नंबर দিদি ওরা কোশ্চেন নাম্বার 18 ছিল, আপনি লিখেছিলেন মানে 17 লিখে দিয়েছি, হ্যাঁ তাই তো 18। এটার জন্য আর কোনো নোটস দিতে লাগবে না তো? না আর কিছু দিতে লাগবে না। আচ্ছা 19 মে ভি দেখো, ইয়ে ভি এক ডিসিশন হ্যায়, द डायनामिक कंपनी हैज 3 डिवीजन, 3 डिवीजन है डायनामिक कंपनी का, ABC, ईच ऑफ विच मेक्स अ डिफरेंट प्रोडक्ट। ए में एक अलग प्रोडक्ट बनता है, बी में एक अलग प्रोडक्ट बनता है, सी में एक अलग प्रोडक्ट बनता है। द बजेटेड डेटा फॉर द कमिंग ईयर एज फॉलोज, बजेटेड डेटा ऐसे कुछ बता रहा है, देखो सेल्स इतना इतना और इतना हो सकता है, डायरेक्ट मेटेरियल ये सब रुपीज में होगा, आई थिंक दिया नहीं है, हाँ ये रुपीज ही होना चाहिए, रुपीज ही होगा, ठीक है, ये सब रुपीज में दिया हुआ है कि सेल्स कितना करके कर रहा है हर एक डिपार्टमेंट, हर एक डिवीजन, मेटेरियल का खर्चा, लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, फिक्स्ड कॉस्ट, सबका अलग अलग बताया। द मैनेजमेंट इज कंसिडरिंग टू क्लोज डाउन द डिवीजन सी, ये लोग चाहता है कि डिवीजन सी को बंद कर दे और ओपन नहीं रखना चाहता है। देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ रिड्यूसिंग फिक्स्ड कॉस्ट, बट ये बंद करने से ऐसा नहीं कि फिक्स्ड कॉस्ट मेरा कम हो जाएगा, फिक्स्ड कॉस्ट मेरा चलता जाएगा। कम क्या हो सकता है, अगर हम प्रोडक्शन बंद कर देंगे तो मेरा ये सेल नहीं मिलेगा, ये वेरिएबल कॉस्ट भी नहीं लगेगा, ये लेबर, मेटेरियल और ये डायरेक्ट एक्सपेंस, ये तीनों खर्चा बंद हो जाएगा, और अगर प्रोडक्शन ही नहीं होगा तो सेल से कुछ रिकवरी भी नहीं होगा, लेकिन फिक्स्ड एक्सपेंस बंद नहीं कर पाएंगे, फिक्स्ड एक्सपेंस मेरा चलता जा रहा है, ठीक है। एडवाइस वेदर और नॉट डिवीजन सी शुड बी क्लोज डाउन, क्या हमें डिवीजन सी बंद करना चाहिए या फिर नहीं बंद करना चाहिए, ये पूछा जा रहा है।
तो देखो डिवीजन सी बंद करना चाहिए या नहीं करना चाहिए वो हमें प्रॉफिट से पता चलेगा। अगर हम लोग डिवीजन सी बंद कर रहे हैं तो हमारा लॉस कितना हो रहा है, क्योंकि अगर मेरा फिक्स्ड कॉस्ट चल रहा है 28,000 और प्रोडक्शन बंद है तो क्या इसके बाद मेरा लॉस हो रहा है? अगर लॉस होगा तो मुझे बंद नहीं करना चाहिए, और अगर लॉस नहीं हो रहा है तो फिर हम लोग चाहे तो उसे बंद कर सकते हैं, ठीक है, अगर मेरा लॉस नहीं हो रहा है या फिर प्रॉफिट मेरा कितना कम ज्यादा हो रहा है, तो ये सब चीज हमें कंपेयर करके देखना पड़ेगा। तो क्वेश्चन इतना है कि तीन डिवीजन में काम हो रहा है, एक डिवीजन बंद होगा बट उसका फिक्स्ड कॉस्ट बंद नहीं होगा, तो क्या हमें बंद करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे बिफोर क्लोजिंग डाउन सी कितना प्रॉफिट था, अगर सी बंद नहीं हो रहा था तो क्या कंडीशन था वो देख लेते हैं। स्टेटमेंट Showing profit before closing down of division C. C को बंद करने के पहले क्या profit earn कर रहे थे हम लोग? तो तीनों डिवीजन को लिखना पड़ेगा और टोटल भी एक लिख लेते हैं। पर्टिकुलर्स ए बी सी और टोटल, सेल्स। तो प्रॉफिट जानने के लिए सेल्स से टोटल कॉस्ट माइनस करेंगे, पता चल जाएगा। सेल्स दिया हुआ है 1,12,56 और 84, तो उतना लिख देते हैं 56 और 84। इसका टोटल तुम लोग बताओ, हम तब तक यहाँ पर रुपीस लिख लेते हैं। रुपीस रुपीस टोटल करके देखो कितना आ रहा है, इधर लिखते हैं 1,12,000 2,52,000 आएगा। अच्छा वेरिएबल कॉस्ट में, अच्छा मेटेरियल लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंस यहाँ पर लिखते हैं, डायरेक्ट मेटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस सब दिया हुआ है, बस देख के लिखना है 14,7 और 14 और टोटल निकालना पड़ेगा, लिख लेते हैं पहले। अच्छा उसके बाद 5,600, 7,000 और 22,400 और लास्ट है यहाँ पर 14,728 टोटल देखना पड़ेगा। 14,28+7, 35 ये हो रहा है 35,000। अच्छा ये 7,5,600+7,000+22,400 ये भी 35,000 हो रहा है, और 28,000 और 14,000+7,49 और उसके बाद यहाँ पर कंट्रीब्यूशन निकाल लेते हैं। कंट्रीब्यूशन तो कंट्रीब्यूशन कैसे निकालेंगे, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट करके, तो माइनस करके देख लो 1,12,000 से ये सब माइनस करना पड़ेगा। 1,12,000 -14,5,600 -14,000 78,400 कंट्रीब्यूशन, यहाँ पर 21,000 हो रहा है, तीन बार 7,000 है ना, तो 21,000 35 और ये वाला 14,000 22,400 28 -84 19,600
और 2,52,000, 35, 35, 70 और 90, 70 और 49, 1,33,000, 1,33,000, ये आ गया कंट्रीब्यूशन। अब लेस करेंगे फिक्स्ड कॉस्ट तो प्रॉफिट पता चलेगा। अच्छा, फिक्स्ड कॉस्ट कितना हो रहा है देखो, फिक्स्ड कॉस्ट 28,14 और 28, तो कितना होगा 28,000, 14,000 और 28,000, तो ये हो रहा है 70,000। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट अगर देखोगे तो 70,000 होगा, ठीक है। तो ये टोटल में ही लिखते हैं क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट हम लोग टोटल करके ही लिखते हैं, ठीक है। तो टोटल करके लिख देते हैं, तो यहाँ पर टोटल प्रॉफिट देखना चाहते हैं एक्चुअली, तो अलग अलग लिखने का जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 63,000, ये हो गया प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट, इसको लिख देते हैं टोटल प्रॉफिट। और अलग अलग मैंने कैलकुलेट नहीं किया, टोटल प्रॉफिट ये हो रहा है। मतलब जब तीनों डिवीजन पैरेलली चल रहा था तो वहां पर ऑर्गेनाइजेशन का टोटल प्रॉफिट हो रहा था 63,000। अब हमें देखना है कि अगर हम लोग सी डिवीजन को बंद कर देते हैं तो हमारा प्रॉफिट का कंडीशन क्या होगा, विथ फिक्स्ड एक्सपेंस सेम रहेगा, ठीक है। तो और एक बार ऐसा ही एक प्रेजेंटेशन करते हैं। स्टेटमेंट सोइंग प्रॉफिट आफ्टर क्लोजिंग सी पर्टिकुलर ए बी टोटल। अब सी हट जाएगा तो इन दो, ये दो सिर्फ रहेगा, तो क्या कंडीशन होगा वो चेक करना है। तो सेल्स, सेल्स तो उतना ही रहेगा 1,12,56, बाकी तो कोई चेंजेस नहीं है, बस बोला है फिक्स्ड कॉस्ट वैसा ही रह जाएगा, चाहे सी ओपन रखो या सी को क्लोज रखो, और 56,000। अच्छा, यहाँ टोटल फिर चेंज हो जाएगा, 1,12,56 कितना होता है, 1,68,000। अच्छा, सेल्स और वेरिएबल कॉस्ट में डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंस, तो मटेरियल है 14,700। फिर से वही लिखना है, तुम लोग अपने कॉपी से देख के लिख लो, 14,700, ये 21 होता है टोटल। लेबर का हो जाएगा 7,000, यहाँ पर तो था, इसका सारा ही 7,000 है, 5,600, तो 7 और 5, 12,600। अच्छा, यहाँ पर एक्सपेंसेस हो जाएगा 14,700। मैम हैं, बोलो, 5,600 या 56,000। ये 5,600 होगा, देख लेते एक बार, गलत लिख दिया, हाँ 5,600 है, मैंने 56,000 लिख दिया, 5,600 प्लस 7,000, 12,600। अच्छा ठीक है, अब हम लोग निकालेंगे कंट्रीब्यूशन, जैसे वहां पर कैलकुलेट किया था कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन तो सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, तो देखो यहाँ से देख के लिख सकते हैं ना, 78,400 और 35,000 सेम ही तो आएगा ना, 78,400 और 35,000, बस टोटल अलग हो जाएगा, दोनों का टोटल कर लेते, 78,400, 35,000, 1,13,400, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से क्या लेस करेंगे, फिक्स्ड कॉस्ट, बताओ फिक्स्ड कॉस्ट कितना होगा, क्वेश्चन में यही वाला पॉइंट मेन है, और कोई पॉइंट मेन है भी नहीं, बस इसके बाद तुम लोग खुद ही डिसीजन ले पाओगे कि सी बंद करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। फिक्स्ड कॉस्ट 70,000 ही होगा, क्योंकि बता दिया ना फिक्स्ड कॉस्ट बंद नहीं कर सकते, तो 28, 28 एंड 14 तीनों का तीनों ही रहेगा 70, तो प्रॉफिट कितना आ रहा है माइनस करके देखना पड़ेगा, 43,400 प्रॉफिट,
तो मुझे बताओ कि सी डिवीजन जो है क्या वो हमें बंद करना ही चाहिए या नहीं करना चाहिए, पहले देख लो अच्छे तरीके से समझ लो। तीनों डिवीजन ओपन है फुल्ली, तीनों में वेरिएबल कॉस्ट फिक्स्ड कॉस्ट सारा अप्लाई हो रहा है, तो प्रॉफिट है 63,000। ठीक है, अच्छा अगर सी को हम लोग बंद कर देते हैं तो उस केस में प्रॉफिट हमारा हो जाएगा 43,400, लेकिन मेरा वेरिएबल कॉस्ट लग रहा है। तो बताओ कि क्लोजिंग सी को क्लोज डाउन करने से प्रॉफिट हमारा कम हो रहा है या ज्यादा हो रहा है, ये देखो पहले। प्रॉफिट हमारा कम हो रहा है, प्रॉफिट प्रॉफिट कम हो रहा है, तो इस हिसाब से अगर देखो तो सी को हमें क्लोज डाउन नहीं करना चाहिए, क्योंकि सी को क्लोज करने से मेरा फिक्स्ड कॉस्ट, देखो वेरिएबल कॉस्ट तो मेरा निकल ही जाएगा। कैसे निकलेगा, जैसे ही हम वेरिएबल कॉस्ट मेरा तभी अप्लाई होगा ना जब हम प्रोडक्शन करेंगे। अगर हम मेटेरियल यूज करेंगे, लेबर यूज करेंगे, डायरेक्ट एक्सपेंस यूज करेंगे, तो मेरा कुछ ना कुछ तो प्रोडक्शन होगा, और मेरा प्रोडक्शन होगा तो वो सेल करके हम रिकवर कर लेंगे। लेकिन सी बंद होने के बाद भी मेरा जो है प्रॉफिट जो है वो डिक्रीज हो जा रहा है। वैसे सी बंद हो गया तो मेरा खर्चा भी तो बंद हो गया। सी बंद होने से मेरा ये वाला खर्चा, ये वाला, ये तो बंद हो जाता है। ये कितना है, 14,000, 22,400 और 28,000, तो मेरा ये 64,400 का एक्सपेंस जो है ये बंद हो जाता है अगर हम सी को बंद कर देते हैं। ठीक है, लेकिन ये 28,000 मेरा कंटिन्यू चल रहा है, तो ये खर्चा बंद होने के बाद भी अगर मेरा प्रॉफिट डिक्रीज हो रहा है और मुझे अगर 28,000 देते जाना है, तो हम सी क्यों बंद करें? सी मुझे फिर बंद नहीं करना चाहिए, सी को मुझे ओपन ही रखना चाहिए। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे फ्रॉम द एवव कंप्यूटेशन इट वॉज फाउंड दैट प्रॉफिट इज डिक्रीज्ड बाय, पहले कितना था देखो, 63,000, माइनस 43,400, नाइनटीन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड से मेरा प्रॉफिट कम हो जा रहा है बाय क्लोजिंग डाउन डिवीजन सी। सी डिवीजन को बंद करने के बाद मेरा प्रॉफिट जो है 19,600 ओवरऑल कम हो जा रहा है। ओवरऑल देखो, हम इंडिविजुअली थोड़ी ना बता रहे, हम तो ओवरऑल ही बता रहे। जहां पर मेरा 63,000 प्रॉफिट हो रहा है, वहां पर मेरा प्रॉफिट होगा सिर्फ 43,400, तो मेरा ओवरऑल प्रॉफिट तो कम हो गया, तो फिर सी डिवीजन मुझे ओपन रखना चाहिए ना। तो उसके बाद लिखो इन अदर वर्ड्स as long as if there is a contribution, समझाते इस पॉइंट का मतलब भी एक बार लिखो, if there is a contribution of ₹1 from division C, इट शुड नॉट बी क्लोज डाउन, इट शुड नॉट बी क्लोज डाउन, शुड नॉट बी क्लोज डाउन। ये मैंने क्या लिखा फिर से बता दे रहे हैं, इन अदर वर्ड्स अगर दूसरे तरीके से हम कहना चाहे, एज लॉन्ग एज इफ देयर इज अ कंट्रीब्यूशन ऑफ ₹1, एज लॉन्ग एज जब तक हमें डिविजन सी से एक रुपया भी कंट्रीब्यूशन मिलता रहेगा, अगर एक रुपया भी मिलता है तो हम लोग इसे क्लोज डाउन नहीं करेंगे। अब इसका मतलब समझो क्यों ऐसा कहा जा रहा है। देखो यहां पर हम लोग को कंट्रीब्यूशन कितना मिल रहा है, 1,33,000। कंट्रीब्यूशन का मतलब है सेल करने के बाद हम लोग अपना वेरिएबल कॉस्ट आराम से रिकवर कर पा रहे, उसके बाद मेरा इतना बच रहा है। अगर तुम लोग को याद है जब मैंने कंट्रीब्यूशन को एक्सप्लेन किया था, तो कंट्रीब्यूशन मेरा वो खर्चा है जो मेरे वेरिएबल कॉस्ट को रिकवर करेगा। देखो यहां पर एक एग्जाम्पल लेते हैं, मेरा मान लो एक प्रोडक्ट ₹12 में हम सेल कर रहे हैं, ठीक है, और इसमें मेरा वेरिएबल कॉस्ट है सपोज ₹10 और मेरा फिक्स्ड कॉस्ट है
सपोज 1 रुपया, ठीक है, अगर वेरिएबल कॉस्ट 10 रुपया है तो मेरा कंट्रीब्यूशन 2 रुपया आएगा, ठीक है। एक बार इसको नीचे थोड़ा ऐसे करके लिखते हैं, देखो मेरा कंट्रीब्यूशन तब कितना आ जाएगा, कंट्रीब्यूशन आ गया मेरा 2 रुपया। और जैसे ही मेरा कंट्रीब्यूशन 2 रुपया है और अगर मेरा फिक्स्ड कॉस्ट फॉर एग्जांपल मान लो 2 रुपए है, तो मेरा नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन होता है, दैट इज ब्रेक इवन पॉइंट। इसका मतलब है हम ऐसे कंडीशन में पहुंच गए जहां मेरा प्रॉफिट भी नहीं है लॉस भी नहीं है, इसका मतलब अब हम नेगेटिव से जीरो में आ चुके हैं। पहले मेरा हालत नेगेटिव था, ठीक है, नेगेटिव कब था, जब शायद हम वेरिएबल कॉस्ट भी रिकवर नहीं कर पा रहे थे तब मेरा नेगेटिव सिचुएशन था। नेगेटिव सिचुएशन कब होगा, मेरा मान लो सेलिंग प्राइस है 12 रुपए, ठीक है, और मेरा वेरिएबल कॉस्ट है सपोज 13 रुपीज, तो मेरा नेगेटिव सिचुएशन है, मेरा फुल्ली लॉस चल रहा है, हम तो वेरिएबल कॉस्ट ही रिकवर नहीं कर पा रहे, मेरा लॉस में चल रहा है। उसके बाद धीरे धीरे क्या होता है, हम लोग वेरिएबल कॉस्ट को रिकवर करना स्टार्ट करते हैं, और वेरिएबल कॉस्ट रिकवर करने के बाद भी अगर हमारे पास कुछ बचता है तभी चांसेस है कि फिक्स्ड कॉस्ट रिकवर हो जाए, और फिक्स्ड कॉस्ट रिकवर होने के बाद भी कुछ अगर बचेगा तो प्रॉफिट होगा। जैसे कि मान लो अगर मेरा फिक्स्ड कॉस्ट यहाँ पर 1 रुपया है तो वो कहाँ से पे करेंगे, कंट्रीब्यूशन से 1 रुपया पे करने के बाद भी अगर मेरे पास कुछ बच रहा है तो मेरा प्रॉफिट सिचुएशन होगा। इसीलिए ये पॉइंट बताया जाता है, जब तक हमें कोई भी डिविजन या कोई भी प्रोडक्ट हमें कंट्रीब्यूशन 1 रुपया भी प्रोड्यूस करेगा तो हम लोग उसको क्लोज डाउन नहीं करेंगे, क्योंकि अगर मेरा कंट्रीब्यूशन है तो मेरा फिक्स्ड कॉस्ट पे हो जाएगा, अगर मेरा कंट्रीब्यूशन है तो मेरा फिक्स्ड कॉस्ट रिड्यूस होगा। अब यहां पर प्रॉब्लम क्या है, बोल रहे फिक्स्ड कॉस्ट तो रिड्यूस नहीं कर सकते, मतलब बंद ही नहीं कर सकते, रिड्यूस तो छोड़ो, 28,000 का खर्चा होगा और मुझे सी यूनिट जो है वो कंट्रीब्यूशन दे रहा था, इसका मतलब मेरा सी यूनिट मुझे 19,600 का कंट्रीब्यूशन दे रहा था जिससे हम अपना फिक्स्ड कॉस्ट पे कर पाते जो कि 28,000 था, अगर इंडिविजुअली देखो तो 28,000 था। इसका मतलब मुझे वैसे तो सी यूनिट अगर इंडिविजुअली देखो तो वो प्रॉफिट मेकिंग आई थिंक नहीं हो रहा है, देख लेते हैं प्रॉफिट मेकिंग हो रहा है क्या यहाँ से 28, नहीं प्रॉफिट मेकिंग नहीं हो रहा है, क्योंकि देखो मेरा 19,600 का कंट्रीब्यूशन है और अगर मुझे फिक्स्ड कॉस्ट 28,000 पे करना है तो वो मेरा प्रॉफिट मेकिंग नहीं हो रहा है। इसीलिए ये लोग सोच रहे थे कि बंद कर दे, क्यों बंद कर दे सोच रहे थे, एक बार देखो फिर से यहाँ 28,000 हम एक बार लिख रहे हैं, यहाँ 28,000, यहाँ पर देखो कितना है 14,000, ठीक है, और यहाँ पर कितना है 28,000। अब प्रॉब्लम क्या है, ये प्रॉफिट देगा क्योंकि 78,400 से 28 माइनस करने से प्रॉफिट मिलेगा, 35,000 से 14 माइनस करने के बाद भी कुछ ना कुछ बचेगा, प्रॉफिट देगा, लेकिन ये यूनिट जो है ना ये लॉस की तरह दिख रहा था। देखो 19,600 बच रहा है बट 28,000 मुझे फिक्स्ड एक्सपेंस देना है, लेकिन एक चीज सोचो, मेरा लॉस तो ऑब्वियसली हो रहा है लेकिन अगर ये 28,000 का खर्चा अनअवॉइडेबल है, वो बंद हो ही नहीं सकता है, तो अगर हम सी डिवीजन को बंद कर दे तो जहां मेरा लॉस होना चाहिए हो रहा था कितना, यहां अगर माइनस करके देखो तो तुम लोग लॉस हो रहा है एक बार 8,400, लेकिन अगर हम लोग इसको पूरा पूरी बंद कर दे तो मेरा लॉस 28,000 का होगा, क्योंकि ये तो हम बंद नहीं कर सकते, ये मेरा कॉस्ट चलेगा। क्वेश्चन बोल रहा है कि 28,000 का फिक्स्ड कॉस्ट बंद नहीं होगा चाहे हम सी डिवीजन बंद कर दे, तो जहां मेरा लॉस 8,400 हो रहा है वहां मेरा लॉस जो है वो 28,000 तक जा रहा है, ओवरऑल मेरा प्रॉफिट हो रहा है, ओवरऑल मेरा प्रॉफिट मेकअप हो जा रहा है। अगर ओवरऑल देखो तो यहाँ 63 हो रहा है या 43,400 हो रहा है, लेकिन हम लॉजिक बता रहे क्यों इतना कम हो जा रहा है, ये इसीलिए कम हो रहा है जहां पर मेरा सी यूनिट मुझे 8,400 का लॉस दे रहा था। अगर ये पूरा बंद हो जाए, मतलब ये पूरा चीज बंद हो गया लेकिन ये 28,000 चल रहा है, तो उस केस में मेरा 28,000 नेगेटिव, मुझे ये डिवीजन बंद भी कर रहा है लेकिन इस डिवीजन का एक 28,000 का खर्चा भी पे कर रहा है, तो ये मेरा एक्सपेंसेस में आ गया जिसका कोई भी रिकवरी नहीं है। बट अगर इसको हम कंटिन्यू रखते हैं तो मेरा लॉस सिर्फ 8,400 का होगा, जो कि मेरा ओवरऑल प्रॉफिट ऑब्वियसली ये 63,000 जो आ रहा है ना, ये दोनों को ऐड करने के बाद ये लेस करने से ही आ रहा होगा, मतलब मेरा कम तो हो रहा है लेकिन यहां पर बंद करने पे तो बहुत ज्यादा हो जा रहा है। क्यों बहुत कम हो जा रहा है, क्यों कम हो रहा है, क्योंकि यहां पर मेरा 28,000 का लॉस हो रहा है जबकि ये कंटिन्यू रखते मुझे 8,400 का ही लॉस होगा, और अगर फ्यूचर में इससे भी मुझे प्रॉफिट मिल जाए तो बात तो बन जाएगा, फिर उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग अपना प्रॉफिट जो है वो अर्न और भी ज्यादा करेंगे। तो इसीलिए बोल रहा है कि जब तक हमें कोई भी यूनिट 1 रुपए भी कंट्रीब्यूशन देता है तो हमें वो बंद नहीं करना चाहिए, ठीक है, हमें वो बंद नहीं करना चाहिए। इसीलिए ये वाला मैंने फिर से लिखवाया, देखो, इन अदर वर्ड्स एज लॉन्ग एज इफ देयर इज अ कंट्रीब्यूशन ऑफ ₹1 फ्रॉम डिवीजन सी इट शुड नॉट बी क्लोज डाउन। अगर बंद कर देंगे तो 28,000 का पूरा बर्डन आ जाएगा, जो बर्डन चालू रखने पे सिर्फ और सिर्फ 8,000
400 का ही आ रहा है, तो 43,400 का हमारा यहाँ पर प्रॉफिट आ जाएगा, जबकि ये कंटिन्यू रखने पे 63,000 का प्रॉफिट होगा। तो दोनों तरह से हम लोग सोच सकते हैं, एक तो मेरा प्रॉफिट का डिक्रीज हो रहा है और दूसरा एकदम अगर इसको डिटेल्स में समझो तो इसीलिए प्रॉफिट मेरा कम हो जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर मेरा जो है लॉस वो बढ़ जा रहा है। फिक्स्ड एक्सपेंस 28,000 जबकि यहाँ पर 8,400 होगा, तो इसीलिए ये वाला एक्सप्लेनेशन हमें लिखना है। अच्छा, तो 19 तक तो हुआ, लेकिन अभी बहुत सारा क्वेश्चन बाकी है, सारा डिसीशन के ऊपर ही है और इसके लिए तुम लोग को इसी तरह से सोचना पड़ेगा क्वेश्चन क्या है। तो इसके बाद वाला होमवर्क लो, आज यहीं तक करते हैं। इलास्ट्रेशन 20, 21 बस ये दो ही है क्या नीचे? हाँ 20, 21 और यहाँ पर 17, ठीक है 17 ये वाला नहीं करवाया मैंने, 17, 20, 21 और इसके आगे क्वेश्चन नंबर 1 और 2 शायद बाकी है, ठीक है। तो जो भी बाकी है इस पीडीएफ में तुम लोग कर लो, ठीक है, मतलब ट्राई करो। हम एक बार लिख देते हैं कौन कौन सा बाकी है तो तुम लोग को याद रहेगा, क्योंकि थोड़ा इधर उधर हो गया ना, सिक्वेंशियली तो नहीं है। 17 करना है, 17, 20, 21 यही तक लास्ट है, 21 तक लास्ट है और उसके आगे क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2, तो ये 5 क्वेश्चन बाकी है और इसके मिडिल में भी अगर कुछ बाकी है तो मुझे नेक्स्ट दिन जरूर बताना तुम लोग। ठीक है, चलो तो आज हम लोग यहीं तक करते हैं।